हम बेटे पीजीपी की जो रिवीजन है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने 44 AD तक कर लिया था, अब उससे आगे पढ़ेंगे। तो 44 AD क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है क्या कहते हैं, एक प्रिजम्प्टिव इनकम का सेक्शन है। प्रिजम्प्टिव का मतलब कि मैं एक्चुअल बेसिस पे इनकम कैलकुलेट नहीं कर रहा, और मैं जो है क्या कर रहा हूँ, प्रिज्यूम यानी कि अज्यूम कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो है क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि मेरी जो है इनकम इतनी है। ऐसे लोग जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की और 2.5 लाख से ऊपर है उनकी, मतलब यानी कि रिटर्न फाइल करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ये बेसिकली बिजनेस हेड के लिए है ये 44 AD, सैलरी वाले के लिए नहीं है। सैलरी हेड तो हमने करा दिया। बिजनेस हेड वाला जो है क्या कहते हैं, वो बोलता है, वो बिजनेस हेड वाला सोचता है कि वो अपना अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, फिर उसके अलावा उसको अपना ऑडिट करानी पड़ेगी। तो बड़ी उसको लगता है कि बड़ा झंझट है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है प्रेजम्प्टिव में आ सकते हो। प्रेजम्प्टिव में आने, जैसे मैंने आपको GST में एक वो कॉम्पेंसेशन कंपोजिशन स्कीम बताया था, वैसा ही कुछ है। तो आप इसमें आ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि रिटर्न भरनी कंपलसरी है, बट वो अपना अकाउंट मेंटेन जो है करना नहीं चाहता, तो फिर वो इसमें आ सकता है। तो यहाँ पर तो वैसे लिख रखा है कि पीजीपी हेड के लिए आपको अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, बट अगर आप 44 AD में आ जाओगे तो आपको अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। तो विदाउट अकाउंट आप कंप्यूट कर सकते हो। ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ जो है किसके लिए अवेलेबल है, रेजिडेंट्स के लिए अवेलेबल है, यानी कि NR जो है फॉरन का बंदा फॉरन में बिजनेस कर रहा है तो इसपे नहीं आ सकता। इंडिविजुअल HUF के लिए भी अवेलेबल है और फॉर्म के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन LLP के लिए अवेलेबल नहीं है, कंपनी के लिए अवेलेबल नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा ये अप्लाई होता है बिजनेस के ऊपर, प्रोफेशन के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसके लिए अलग लगता है। एजेंसी अगर ले रखी है आपने कोई, यानी कि एजेंट हो, तो भी ये अप्लाई नहीं होता। कमीशन आपको इनकम आती है तब भी अप्लाई नहीं होता। और 44 AE जो है क्या कहते हैं, ट्रक वाले आते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता, उनके लिए अलग सेक्शन बने हुए हैं। अभी उस बंदे पे अप्लाई होता है जिसकी बिजनेस की टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, 2 करोड़ तक की टर्नओवर है, और प्रोफेशन में आगे करा दूंगा 50 लाख तक की लिमिट लगती है, वो 44 ADA सेक्शन है। तो टर्नओवर जो है 2 करोड़ है, जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो वो इसमें आ सकता है। तो जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ है वो यहां पर आ सकता है। अब प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा कि अगर आपका जो है, अगर आपकी जो इनकम आई है वो कैश में आई है, जो सेल की है आपने वो कैश में की है, तो उस कैश वाली का 8% करना है, और अगर अकाउंट पे ही चेक से आपको पैसा आ गया तो आपको 6% करना है मल्टीप्लाई टर्नओवर का। यानी कि अकाउंट पे ही चेक से पैसा आना चाहिए, कब तक आना चाहिए, देखो लिख रखा है, इफ द पेमेंट रियलाइज अप टू ड्यू डेट ऑफ ITR, ITR की ड्यू डेट से पहले पहले अगर पैसा रिसीव हो चुका है अकाउंट पे ही चेक DD और ECS के थ्रू, तो फिर जो है क्या कहते हैं अपना, आप 6% मल्टीप्लाई करोगे, अदरवाइज 8% मल्टीप्लाई करोगे। इसके लिए मैंने जो है क्या कहते हैं एक क्वेश्चन बनाया, देखो जैसे ये है क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन MCQ में भी आया हुआ है, तो आपको ये ध्यान से करना है। किसी बंदे के टर्नओवर 1.5 करोड़ है तो इसका मतलब 44 AD में आ सकता है। कैश जो है क्या कहते हैं 80 लाख रुपए उसको रिसीव होता है, और 31 दिन 23 मतलब साल खत्म होने से पहले पहले 20 लाख रुपए रिसीव हो गए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू, यानी कि इसके ऊपर तो 6% होगा। 10 लाख रुपए रिसीव हो चुके हैं अपना ITR की ड्यू डेट से पहले ECS के थ्रू, इसके ऊपर भी 6% होगा। बाकी रिसीव ही नहीं हुए तो इसके ऊपर भी 8% होगा, और कैश में रिसीव हुए उसके ऊपर भी 8% होगा। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके आप उस बंदे का प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो उसको जो है क्या कहते हैं, कोई अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, और सिर्फ वो क्या कर सकता है अपनी सेल को मल्टीप्लाई करके जो है प्रॉफिट निकाल सकता है। अब आ जाते हैं आगे। इसके अलावा जो है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स की जरूरत नहीं है, ऑडिट की अपना रिक्वायरमेंट नहीं है। ही शुड नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, 10AA होता था SEZ वाला, तो उसकी छूट नहीं मिलेगी। और हाँ, बस उसी की छूट नहीं मिलेगी, ये वाला अपने सिलेबस में नहीं है, तो SEZ वाली आपको छूट नहीं मिलेगी, ऐसा लिखता है। इसके बाद जो है अपन आते हैं आगे।
इसके बाद इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें आती हैं, जैसे कि कोई बंदा है जो 5 लाख रुपए, वो बोल रहा है कि 5 लाख इनकम दिखाओ। हाँ, 44AD के अनुसार इनकम बनती है 11 लाख रुपए, और वो बोलता है कि 5 लाख दिखाओ, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? इफ ही वॉन्ट्स टू क्लेम लोअर प्रॉफिट देन ही शेल डू बोथ, यानी कि उसको बुक्स मेंटेन करने पड़ेगी और क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना पड़ेगा। अब मेरे कई असेसी हैं, देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसी बार एक ये वाला पॉइंट आया था, मैं अभी रिटर्न जब भर रहे थे हम, तो फोन आया था कि मेरे पास, बोले कि भाई पिछली बार तो उसका क्या था, टर्नओवर बहुत कम थी, कि टर्नओवर मान लो, और उसका प्रॉफिट जो है वो जब हम 8% कर रहे थे ना, तो प्रॉफिट वैसे ही उसका 5 लाख तक आ रहा था, तो फिर क्या कहते हैं अपना, हमने 8% करके प्रेजम्प्टिव बेसिस पर रिटर्न भर दी। लेकिन इस बार जब हम रिटर्न भर रहे हैं तो उसका प्रॉफिट 8% मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 लाख रुपए आ रहा है, और 12 लाख रुपए जो है क्या कहते हैं, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो टैक्स नहीं देना चाहता, तो इस बार जो है क्या कहते हैं वो 8% से कम शो करना चाहता है, तो हमने कहा इसको क्या करानी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट करानी पड़ेगी। तो ऐसा होता है बेटे। इसके बाद जो है नेक्स्ट लिख रखा है, हाँ, अगर आप हायर प्रॉफिट दिखाना चाहते हो, आपका 6-8% मल्टीप्लाई करके आ रहा है 11.4, लेकिन इससे भी ज्यादा दिखाना चाहते हो, जो कि कम चांस होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे उतना आपको क्या भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, इससे ज्यादा दिखाना चाहते हो, तो फिर जो है क्या कहते हैं आप 44AD जो है क्या कहते हैं ना करो, और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, 44AD ऑप्ट कर लो और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत भी नहीं है। जैसे अपने ही क्लास में कल एक स्टूडेंट है, वो आया, वो बोलता कि सर जो है मेरी अकाउंट में 15 लाख रुपए आए हुए हैं, तो 15 लाख रुपए मैं इनकम, 15 लाख रुपए आए हैं, तो ठीक है हम 15 लाख रुपए उसको सेल दिखा देंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको जो है क्या कहते हैं 44AD में ले आएंगे, 44AD में उसको 8% से मल्टीप्लाई कर दो, बताना एक बार कितना आया, 15 को 8% से करोगे, 1,20,000 आ गया क्या, 1,20,000 आ गया। अब 1,20,000 उसको इनकम दिखानी पड़ेगी, तो क्या उसको ज्यादा दिखानी चाहिए? यस, ज्यादा दिखानी चाहिए, क्योंकि 5 लाख रुपए तक इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो 1,20,000 क्यों दिखानी, 1,50,000 दिखाए, 2 लाख दिखाए, 2.5 लाख दिखाए, 3 लाख दिखाए, 4 लाख दिखाए, इतनी आराम से दिखा सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना दिखाना चाहते हो, आप इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट को क्या नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते। इसके बाद चलते हैं आगे, एक और ये वाला पॉइंट आता है, वो बोलता है कि अगर आप प्रॉफिट जो है डिक्रीज भी कर सकते हो, 8% से नीचे भी दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपका जो है क्या कहते हैं 8% से नीचे तब दिखा सकते हो अगर आपका एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो 2.5 लाख से कम हो। अगर एक्चुअल प्रॉफिट 2.5 लाख से कम हो, 2.5 लाख इसलिए बोला क्योंकि 2.5 लाख तो है अपना रिटर्न ही फाइल नहीं करनी होती, तो 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, 2.5 लाख होता था अपना 60 साल से कम उम्र वाले के लिए, 3 लाख होता था 60 साल से ऊपर, 5 लाख होता था 80 लाख। तो इनकी, इनका जो प्रॉफिट है वो इन लिमिट से कम है, इन लिमिट से कम है, तो यार उनको तो आप क्यों अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए कह रहे हो? मतलब ये है कि मान लो 50 लाख टर्नओवर है, 8% मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख आ रहा है, बट वो बंदा कह रहा है कि मेरा प्रॉफिट भाई 4 लाख नहीं है, मेरा प्रॉफिट तो 2.5 लाख से भी कम है। तो गवर्नमेंट कहती है अगर तेरा प्रॉफिट 2.5 लाख से भी कम है तो तेरे को अपना जो है क्या कहते हैं मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बुक्स मेंटेन करने की, असेसी डिक्लेयर नेट टैक्सेबल इनकम अप टू बेसिक एग्जम्पशन, देन ही कैन डिक्लेयर प्रॉफिट। तो वो लोअर प्रॉफिट भी शो कर सकता है, वो अपना जो है ये 8 और 6% से लोअर भी शो कर सकता है, और कोई उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका प्रॉफिट जो है एग्जम्पशन जो होती है उससे भी लो है। अब कई बच्चे पता है क्या सोचेंगे, कई बहुत सोचेंगे सर किसी का टर्नओवर मान लो 2 करोड़ है, उसका 8% तो कितना आ रहा है, 16 लाख रुपए, वो भी दिखा दे 2.5 लाख रुपए। हाँ दिखा दे भाई, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग दिखा सकता है, कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन एओ जो है क्या कहते हैं उसको इतनी तो अकल है ना कि भाई ये 2.5 लाख प्रॉफिट दिखा रहा है, इसका मतलब इसके प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट एकदम कम कैसे हो गया, तो एओ केस लगा सकता है स्क्रूटनी के अंदर। तो ऐसे झूठ जो है क्या कहते हैं नहीं बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है फिर बोल सकते हैं, कहां आपका 16 लाख आ रहा है, कहां आप 2.5 लाख दिखा रहे हो, तो इतना झूठ थोड़ी ना बोल सकते हो। इसके बाद चलते हैं आगे, अगर आप प्रिजम्प्टिव में आते हो तो आपको अब कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, सेक्शन 30 से लेकर 37 तक के कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होंगे, यानी कि अगर आपको जो है क्या सैलरी इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर ये भी अलाउ नहीं होगा, कुछ भी अलाउ नहीं होगा, डेप्रेशन अलाउ नहीं होगा, कुछ भी कोई भी एक्सपेंस आपको जो है क्या कहते हैं अलाउ नहीं होगा। इसके अलावा फिर आते हैं आगे, अब बेटे ये बोलता है कि मान लो आपने जो है डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने आपको बोला अलाउ नहीं होगा, 2021 में 44AD में आता था,
तो डेप्रेशन अलाउ नहीं होगा, डेप्रेशन नहीं लिया होगा। अब अगले साल मान लो ये नॉर्मल में आ गया, तो अगले साल अब डेप्रेशन लेगा। मान लो 2021 की शुरुआत में 1,00,000 रुपए इसकी WDV थी, अब इसके डेप्रेशन तो क्लेम किया ही नहीं, क्लोजिंग WDV भी आप बोलोगे 1,00,000 आ गई। अब यही अगले साल ओपनिंग बन गई 1,00,000, तो अगले साल डेप्रेशन क्लेम करेंगे 1,00,000 पे करेंगे, या फिर इसमें से नोशनल डेप्रेशन माइनस करेंगे पिछले साल का? द आंसर इज नोशनल डेप्रेशन माइनस करेंगे, क्योंकि ये रूल है कि डेप्रेशन आपका लगे ना लगे, हम तो जो है वो मान के चलेंगे कि लग गया, डेप्रेशन इज कंपल्सरी। क्योंकि हाँ, बस इसकी आपको छूट नहीं मिलेगी। छूट मिलने का मतलब कि आपका जो 11.4 लाख प्रॉफिट आया है, इसमें से आप डेप्रेशन माइनस नहीं कर सकते। वो 11.4 लाख मान लिया जाएगा कि वो 11.4 लाख हो गया, वो 11.4 लाख वे डेप्रेशन ऑलरेडी घट चुका है, ऐसा मान लिया जाएगा, तो आप इसमें से माइनस नहीं कर सकते, ये कहना चाहते हैं। बट ब्लॉक में से तो माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो लोग यही करेंगे, नई नई मशीनरी खरीदेंगे, 44AD ले लेंगे, जब 5 साल बाद 44AD हटाएंगे तब भी उनको शुरू से ही मशीनरी का डेप्रेशन मिल जाएगा, जो कि गलत है। तो यहां पर नोशनल डेप्रेशन जो है माइनस करना पड़ेगा। WDV शैल बी डीम्ड टू हैव कैलकुलेटेड एज इफ द असेसी हैड क्लेम डेप्रेशन इन अर्लियर ईयर, ऐसा जो है लिखा गया। अगला प्रोविजन, अगले प्रोविजन पे आते हैं। ये प्रोविजन बोलता है कि मान लो, अब ये प्रोविजन भी आजकल बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि असेसी क्या करता है कि किसी साल तो उसको मान लो सेल थी कम, 20 लाख सेल थी, तो 8% करके दिखा दिया, अगले साल सेल बढ़ गई 50 लाख हो गई, अब 8% 50 लाख का 8% भी कर सकता है, 4 लाख आ गया, 5 लाख तक तो सर ऐसे एग्जम्प्ट होता है। अगले साल सेल 1 करोड़ हो गई, अब 8% करता है, 8 लाख रुपए उसका टैक्सेबल इनकम बनती है, तो वो कहता है कि नहीं सर, हम तो अपना जो है क्या कहते हैं इसे लोअर दिखाना चाहते हैं, तो नॉर्मल में आ जाता है। अब नॉर्मल स्कीम में आ गया, नॉर्मल में आ गया तो उसको ऑडिट करानी पड़ेगी, और साथ में क्या करना पड़ेगा, अपना बुक्स जो है क्या करनी पड़ेगी, हाँ बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। बट उससे अगले साल मान लो फिर से वो प्रेजम्प्टिव में आना चाहता है तो नहीं आ पाएगा, फिर से 44AD में आना चाहता है तो नहीं आ पाएगा। गवर्नमेंट बोलती है कि आपको 44AD में अगर 1 साल आए, अगले साल नहीं आए, तो फिर अगले 5 साल तक जो है नहीं आ सकते। देखो लिख रखा है, इफ असेसी डिक्लेयर्स इनकम इन एनी प्रीवियस ईयर एज पर 44AD, 1 साल में 44AD करता है, और उसके बाद अगले 5 साल तक वो 44AD ही करना पड़ेगा। अगले 5 साल में अगर उसने जो है 44AD ना किया, डज नॉट डिक्लेयर इनकम इन एनी 5 ईयर्स इन द 44AD, तो 1 साल 44AD में आया तो अगले 5 साल भी 44AD में आना पड़ेगा, और अगर नहीं आया तो फिर जो है जिस साल नहीं आया उससे अगले 5 साल के लिए फिर वो क्या हो जाएगा, इन एलिजिबल हो जाएगा, वापस 44AD में नहीं आ पाएगा। शेल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम 44AD फॉर 5 consecutive years सब्सिक्वेंट टू द ईयर इन विच असेसी डज नॉट फॉलोड 44AD, जिस साल में 44AD फॉलो नहीं किया था, तो उसके बाद के जो है क्या कहते हैं अपना 5 साल जो है उसके बाद के 5 साल भी वो फॉलो नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद आते हैं 44ADA पे। 44ADA जो है क्या कहते हैं वो बेटे प्रोफेशनल्स के लगता है, जो रूल मैंने 44AD में बताए सेम वही 44ADA में लगेंगे, बट ये प्रोफेशनल्स के लिए लगता है। तो देख सही सेम वही बात है कि भाई नो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी, हाँ प्रोफेशन पे लगता है। और कौन से प्रोफेशन पे लगता है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन। स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन से होते हैं ये मैं 44AA में ले चलता हूँ और वहां बताता हूँ स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या होते हैं। तो 44AA है जो है क्या कहते हैं, मैंने आगे लिखा होगा 44AA मैंने आगे लिखा होगा 44AA मैंने आगे लिखा होगा 44AA मैंने आगे लिखा होगा तो 44AA जो है कहाँ गया, 44AA 44AA 36ZCB 40BA 40A3 40AV पेमेंट टू रिलेटिव्स 44AA 44AA। तो इसमें जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है ये है, तो ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है। तो देखो इसमें क्या है, मेडिकल यानी कि डॉक्टर आ गए, लीगल यानी कि लॉयर आ गए, अकाउंटेंट CA आ गए, फिल्म आर्टिस्ट कैमरामैन मेकअप आर्टिस्ट ये सब आ गए, जैसे सलमान खान वगैरह ये सब आ गए, फिल्म आर्टिस्ट सलमान खान आ गया, ये सब आ गए, इंजीनियर आ गए, और कंसल्टेंट्स आ गए, CA भाई कंसल्टेंसी भी दे सकता है, CS वगैरह आ गए, आर्किटेक्ट्स आ गए, कंपनी सेक्रेटरी आ गया, अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव CA भी CS भी बन सकता है, CMA भी बन सकता है, LLB बन सकता है, ये सब आ गए। तो ये सारे लोग जो है इसमें कवर्ड हैं। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, जो ये लोग हैं
ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग 50% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर 44 ADA, 50% अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर क्या कहते हैं अपना 44 ADA। अब पता है क्या हुआ, ये इनको ना, इन लोगों को 44 ADA कंपलसरी है, इन लोगों को अगर नहीं ऑप्ट करोगे ना तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और क्या करानी पड़ेगी, ऑडिट करानी पड़ेगी। तो CA की तो मजबूरी है, नॉर्मल में आएगा तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी और ऑडिट करनी पड़ेगी। तो प्रोफेशनल की तो मजबूरी है भाई कि 44 ADA में करोगे तो बचे रहोगे, अदरवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो और क्या करवाओ, ऑडिट करवाओ। लोअर प्रॉफिट क्लेम करना चाहते हो तो ऑडिट करानी पड़ेगी, अगर लोअर प्रॉफिट क्लेम करना चाहते हो तो ऑडिट करानी पड़ेगी, मजबूरी है बेचारे CAs की। तो खैर अब मैं तो भाई 50% प्रॉफिट दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं 15-20 लाख की सेल दिखाता हूँ और उसमें 50% प्रॉफिट जो है वो दिखा देता हूँ, बाकी डिडक्शन क्लेम करके जुगाड़ कर देते हैं। अब बेटे आ जाते हैं अपन किस पे आ गए थे, ये रहा 44 AD हो गया, 44 ADA पे आ गए थे। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, इन स्पेसिफाइड प्रोफेशन के केस में आप 50% अपना जो है जितनी ग्रोस रिसीट है, ग्रोस रिसीट का मतलब होता है जितना पैसा रिसीव हुआ, उस पैसे का 50% आप क्या दिखा सकते हो, प्रॉफिट दिखा सकते हो। और अप टू 50 लाख ग्रोस रिसीट, अप टू 50 लाख का मतलब है कि 50 लाख रुपए तक की अगर आपकी रिसीट है तो ही सेक्शन में आ सकते हो। 50 लाख से ऊपर की रिसीट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और क्या करानी पड़ेगी, ऑडिट करानी पड़ेगी। नहीं करेगी वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ऑडिट के लिए अलग जो है टर्नओवर की लिमिट है। अब ये बोलता है कि हाँ यहां पर बाकी सारे प्रोविजन सेम लगेंगे जो किस पे लगते थे 44 AD पे, बट इसमें क्या है, इसमें एक ये डिफरेंस है कि इसमें जो है ये वाला प्रोविजन नहीं लगता 5 साल के ब्लॉक वाला, कि अगर एक बार अडॉप्ट किया तो अगले 5 साल भी करना पड़ेगा। प्रोफेशनल खेल सकता है, इस साल आया अगले साल नहीं, इस साल आया अगले साल नहीं, ऐसे खेल सकता है। ठीक है आगे चलते हैं। इसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना, हाँ उसको डेप्रेशन नहीं मिलेगा, वो सारी तो बातें बता ही दी थी मैंने, और फिर इसका हो जाएगा। हाँ सैलरी भी नहीं मिलेगी पार्टनर्स वगैरह की, ये भी मैंने आपको बता दिया था, सारे वही प्रोविजन चलेंगे जो पिछले वाले थे। अब अगले पे आते हैं, ये है 44 AE, ये होता है ट्रक ड्राइवर के लिए, ट्रक ड्राइवर के लिए, उन ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर नहीं एक्चुअली यहाँ एक्ट में लिखा है हायरिंग, जो ट्रक को किराए पे देने का काम करते हैं, लीजिंग किराए पे देने का काम करते हैं, प्लाइंग खुद चलाते हैं, तो वो ट्रक ड्राइवर हो गए। तो उन लोगों के लिए जो है, और ये मालिकों पे लगेगा, ट्रक ड्राइवर पे नहीं, ट्रक ड्राइवर को तो सैलरी मिलेगी, सैलरी हेड में जाएगी, मालिकों पे, जो ट्रक के मालिक हैं, जो गुड्स ट्रेवल GTA, GTA एजेंसी के बारे में बात कर रहा है, कि GTA के बारे में या कोई लीजिंग ऑफ गुड्स, यानी कि कोई अपना ट्रक किराए पे देने का काम करता है, तो उन पे लगेगा। SSC विच इज एंगेज्ड इन द प्लाइंग हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरिज, और जिसके पास अप टू 10 ट्रक, किसी भी दिन 10 ट्रक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हर दिन क्या हो गया तेरे को, हर दिन आपको जो है क्या कहते हैं देखना पड़ेगा, किसी भी जो है क्या कहते हैं अपना दिन 10 ट्रक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो देखो जैसे यहां लिख रखा है, किसी बंदे के पास शुरू में 1-4 को 10 ट्रक थे, फिर उसके बाद जो है क्या हुआ 11 ट्रक हो गए, तो वो इस सेक्शन में नहीं आ पाएगा। तो अपना जो है इन एनी मंथ, बल्कि एनी डे देखना है आपको, हर दिन जो है आपको देखना है, एनी डे मंथ की जगह आप लिखो, बल्कि एनी डे, हर डे हर दिन देखना है आपको, 10 ट्रक से ज्यादा नहीं हो सकते। इसके अलावा ग्रोस व्हीकल वेट, ग्रोस व्हीकल वेट की भी कुछ होता है, अनलेडन वेट भी होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको क्या काम आएगा। अब ट्रक वालों की इनकम कैसे होगी, देखो जो हमारी प्रोफेशनल्स में मैंने आपको बताया था जो ग्रोस रिसीट है उसका कितने परसेंट कर दो, 50%, बट यहां ग्रोस रिसीट का 50% नहीं करना, यहां ग्रोस रिसीट ही नहीं देखनी। ट्रक ड्राइवर जो होते हैं ना वो अपना सेल अकाउंट ही नहीं करते, पता ही नहीं चलता उनको, कैश में से काम होता है सारा, तो इसलिए उनके लिए हमने ऐसा बोला ही नहीं कि ग्रोस रिसीट का 50% कर दो, क्योंकि पता है ग्रोस रिसीट ही नहीं मेजर करेंगे वो। तो उनके लिए तो हमने क्या बोला कि भाई बताओ भारी ट्रक क्या है तुम्हारे पे, हल्का ट्रक है। आप बोलोगे सर भारी ट्रक का मतलब क्या है, भारी ट्रक का मतलब है 12 टन वजन से ज्यादा वाला, 12 टन वजन से ज्यादा वाला जो है। अब वजन कैसे देखते हैं, वजन देखते हैं ग्रोस व्हीकल वेट, देखो ये डिफाइन किया हुआ है, ग्रोस व्हीकल वेट का मतलब है वेट ऑफ व्हीकल प्लस में लोड, जितना लोड उस पर रख सकते हो, सर्टिफाइड लोड। जैसे कि आपने कई ट्रक देखे होंगे, ट्रकों के पीछे, ट्रकों के ऊपर ऊपर तक पहुंचा रखा होता है लोड, उस लोड की बात नहीं कर रहे,
एक सर्टिफाइड लोड कि जितना वो कैरी कर सकता है लोड वो वाला, तो जो आरसी में सर्टिफाइड लोड है वो प्लस के व्हीकल का जो वेट है वो उन दोनों को ऐड करके ग्रोस व्हीकल वेट हमें एग्जाम में गिवन मिलेगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। अगर ग्रोस व्हीकल वेट ना गिवन हो तो हम अनलेडन वेट यानी कि लोड के अलावा वाला वेट देख सकते हैं। लोड के अलावा वाले वेट का मतलब है खुद व्हीकल का वेट प्लस के उसके अंदर कोई ड्राइवर कंडक्टर कंडक्टर बैठा है उसको हटा दो, और इक्विपमेंट्स का वेट। इक्विपमेंट क्या होता है, ट्रक के अंदर जो है पीछे क्या लगा रखा होता है, आपने देखा हो कि भाई जो ट्रक आते हैं ना वो ट्रक बेटे, वैसे तो ट्रक आते हैं जो अपना खाली ट्रक आते हैं, जो नया ट्रक होता है ना, ट्रक ट्रक गेम नहीं बेटे, सिर्फ ट्रक। तो जो ट्रक आते हैं वो बिल्कुल खाली आते हैं, देखो देखो ये ट्रक है। अब जो ये ट्रक जो है, अब ये अगर नई कंपनी से खरीद के आओगे ना तो सिर्फ आगे वाली ये वाली बॉडी मिलेगी आपको, ये वाली बॉडी, ये पीछे वाली बॉडी सारी क्या करानी पड़ती है, इंस्टॉल करानी पड़ती है। तो ये इंस्टॉल कराने के बाद जो वेट है वो देखना है आपको, ये पीछे ब्लू कलर का जो कर रखा है ना ये सारी इंस्टॉल करानी पड़ती है, बस आगे आगे वाला जो है ट्रक खाली ट्रक ऐसे आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ट्रक आते हैं, खैर बहुत सारे ट्रक आ गए, हम गेम नहीं खेल रहे, आगे चलते हैं। तो ये आ गया, तो अनलेडन वेट हो गया और ग्रोस व्हीकल वेट हो गया। ग्रोस व्हीकल वेट अगर 12 टन से ज्यादा है तो आप ऐसे आओगे, और 12 टन से कम है तो आप ऐसे आओगे। 12 टन से कम है तो बेहद आसान है, 7500 रुपए पर मंथ पर ट्रक ये आ जाएगा आपका। और अगर 12 टन से ज्यादा है तो करना पड़ेगा 1000 रुपए पर टन, 1000 रुपए पर टन पर व्हीकल पर मंथ, बहुत ज्यादा हो गया। यानी कैसे करना पड़ेगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय कितने टन का है वो, 15 टन मल्टीप्लाई बाय व्हीकल कितने हैं आपके पास वो मल्टीप्लाई बाय मंथ। तो ये जो है क्या कहते हैं अपना, हाँ इस तरह से कैलकुलेट होगा, एक क्वेश्चन कराऊंगा तब जाके आपको ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो ये जो है लिख रखा है, अगर इससे कम प्रॉफिट दिखाओगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे एंड यू हैव टू डू योर ऑडिट्स। इसके अलावा एसएससी कैन डिक्लेयर हायर इनकम, वो तो हर जगह होता है, लोअर करनी है तो ऑडिट करनी करनी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। और अनलेडन वेट ले सकते हैं अगर ग्रोस व्हीकल वेट अवेलेबल ना हो तो, विद गुड्स ग्रोस व्हीकल वेट बता दिया मैंने, अनलोड गुड्स कर दो तो आपका अनलेडन वेट हो गया, मैंने बता दिया। सेक्शन 30 से 38 अलाउड नहीं होंगे, यानी कि और कोई एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं होगा, हम मान लेंगे कि इसी में सारे खर्चे क्या हो चुके हैं, घट चुके हैं। हाँ डेप्रिशन भी मान लिया जाएगा कि अपना जो है वो लग चुका है, ठीक है। 5 ईयर का ब्लॉक भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, 5 ईयर का ब्लॉक भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होता, यानी कि हर साल वो खेल सकता है, कभी इसमें आए कभी उसमें आए, कभी इसमें आए कभी उसमें आए। इसके बाद बेटे एक काका जी हैं जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं, और उनके पास 10/6 को उसने जो है 10 जून को 4 ट्रक खरीदे और 18 टन वाले ट्रक, भाई साहब ये तो भारी वाले में आएंगे। भारी वालों की इनकम पता कैसे निकालते थे, 1000 रुपए मल्टीप्लाई बाय कितने टन है, 18 टन, इतने में ट्रक कितने हैं, 4 ट्रक, ऐसे निकालते थे। अब इसके मंथ भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, बट मंथ मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, देखो 4 ट्रक थे, ये सारी जिंदगी रहे हैं जून के बाद, तो जून से शुरू हो जाओ, जून अगर महीने में एक भी दिन में ट्रक आया ना तो पूरा काउंट हो जाएगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने हो गए, मल्टीप्लाई करके 10, बताना कितना आ गया, 1000 × 18 × 4 × 10 720000 बता रहे हैं, एक बार मैं भी कर लेता हूँ, 18000 × 40 तो 720000 बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, ये आ गया। इसके बाद जो है क्या कहते हैं अपने पास नेक्स्ट, अब करेंगे तो नेक्स्ट जब करेंगे तो उसमें अब क्या होगा, उसमें क्या हुआ, अब 5 ट्रक और आ गए, तो इनका ये छोटे ट्रक है, इनके लिए 7500 रुपये फिक्स था, 7500 × 5 ट्रक इंटू में, अब अपने को कर रहा है कितने महीने रहे, दिसंबर में खरीदे थे तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने हो गए, 20 × 7500 तो 150000, आंसर क्या आ गया भाई, 870। अगर इससे कम प्रॉफिट क्लेम किया तो क्या करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर बोलता है 4 ट्रक परचेज 10/6 नॉट पुट टू यूज ऑन दैट डेट, अगर पुट टू यूज ना किए जाते तो भी आंसर सेम आता, बिकॉज यहां पर व्हीकल ऑन करते ही जो है क्या कहते हैं आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाता है। व्हीकल पुट टू यूज करो या ना करो, ये डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट नहीं है कि भाई पुट टू यूज करोगे तभी डेप्रिसिएशन लगेगा, वो कंसेप्ट नहीं है। 40B इज नॉट, हाँ ये एक फायदा है यहां पर,
ट्रक ड्राइवर क्या कर सकते हैं? देखो 44 एडी और 44 एडीए, 44 एडी और 44 एडीए, एडी था जहां पर बिजनेस वाला, प्रिजम्प्टिव बिजनेस, और एडीए था कौन से वाला, प्रोफेशनल वाला। उन दोनों के केस में सैलरी टू पार्टनर अलाउड नहीं थी। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो सैलरी टू पार्टनर जो है वो अलाउड नहीं थी। अच्छा, यहां पर जो है लिख रखा है कोई बंदे का नाम ही लिख रखा, इसका मतलब एनईएसएससी किसी में भी लग सकता है, पार्टनरशिप फर्म पे भी लग सकता है, कंपनी में भी लग सकता है, किसी में भी लग सकता है ये सेक्शन। तो वहां पर तो लिखा था ना कि 44 एडी और एडीए तो लगते हैं सिर्फ अपना फर्म वगैरह के ऊपर लगते हैं, तो ये 44 एडीए भी जो है फर्म वगैरह के ऊपर ही लगता है। मैंने लिखवाया होगा शायद आपको, पहले नहीं लिखवा रखा, ठीक है, वो फर्म वगैरह पे लगता है, ये जो है किसी पे भी लग सकता है, ठीक है। और फिर जो है क्या कहते हैं अपन आते हैं यहाँ पर, हाँ किसी एसएससी पे भी लग सकता है। खैर आगे की बात अपन करते हैं। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये फर्म के ऊपर लग रहा है तो फर्म जो है क्या कहते हैं इसमें से सैलरी टू पार्टनर माइनस करवा सकती है। जो 40 बी के सेक्शन के खर्चे थे वो मैं अभी करवाऊंगा, थोड़ी देर में रिवाइज कराऊंगा, तो वो पार्टनरशिप फर्म क्या कर सकती है, वो माइनस करवा सकती है। 44 एडी और एडीए में ऐसा नहीं लगता था, लेकिन 44 एई में ऐसा होता है कि इसमें से आप पार्टनर वाले जो खर्चे हैं वो माइनस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और कैलकुलेशन करके देखते हैं। जैसे 15-9 को मेरे पास जो है 9 ट्रक थे और फिर 9-12 को मैंने सेल कर दिए 5 ट्रक, तो देखते हैं अब क्या होगा। 9 ट्रक इंटू में अपना जो है क्या होगा बेटे, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। तो बेटे 9 ट्रक इंटू में जो है वो क्या होगा, इंटू में 7500 रुपये करना पड़ेगा। इंटू में महीने कितने, सितंबर से शुरू हो जाओ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने तो ऐसे होगा क्योंकि दिसंबर में ट्रक कम हो गए, तो बट दिसंबर के 9 दिन तो क्या कहते हैं 9 ट्रक रहे, तो इसीलिए दिसंबर महीने में भी कितने ट्रक काउंट करेंगे हम 9 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। दिसंबर के बाद जो महीना आएगा जनवरी, जनवरी से हम जो है क्या कहते हैं अपना कैलकुलेशन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जनवरी के बाद आपके 5 ट्रक बिक गए तो 4 बच गए, 4 ट्रक इंटू में 7500 रुपए इंटू में जनवरी के बाद महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, ये इनकम आ जाएगी, ठीक है। बताइयो कितना आया, 2,70,000 टोटल आया, ऊपर वाले का 2,70,90,000। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटे अगला सेक्शन आता है 40B। 40B सेक्शन क्या बोलता है, 40B सेक्शन जो है वो आता है कि किसी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लगता है। जो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर मान लो सेल है 12,00,000 रुपए और अब मान लो इनका प्रॉफिट आ रहा है 4,00,000 रुपए, 4,00,000 रुपए के ऊपर 30% टैक्स बनता है 1,20,000 रुपए। तो ये पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, इसमें से सैलरी दिखा देती है कि भाई देखो पार्टनरशिप फर्म में तो अपना जो है टैक्स लगेगा 30% फ्लैट, तो आप 4,00,000 के प्रॉफिट को कम करो। कम कैसे करोगे, पार्टनर को सैलरी वगैरह दिखा दो, क्योंकि पार्टनर के पास जब वो सैलरी जाएगी तो पार्टनर को तो स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा, तो इसलिए सैलरी वगैरह दिखाना जो है बेनिफिशियल रहता है एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो देखो अब बात होती है कि ऐसे तो फिर कोई मर्जी जितनी मर्जी सैलरी दिखा देगा, किसी पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट 1 करोड़ है तो 1 करोड़ सैलरी दिखा देगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि कितनी सैलरी आपको अलाउड होगी, कितनी सैलरी आपको अलाउड नहीं होगी। तो देखो जैसे क्या लिख रखा है, पहले तो अपना सैलरी जो है वो अलाउड नहीं है स्लीपिंग पार्टनर को, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इसकी भी लिमिट बनाई है। हमारी इनकम टैक्स की नजर में इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है उसकी भी सेम लिमिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी भी सेम लिमिट है, और ये तो है दोनों को किसी को भी मिल सकता है, ये आपके वर्किंग पार्टनर को भी मिल सकता है और स्लीपिंग पार्टनर को भी मिल सकता है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये तो दोनों को दिए जा सकते हैं, अलाउड ओनली व्हेन मेंशन्ड इन डीड, बट ये तभी अलाउ होंगे जब अगर आपकी डीड क्या करती है, इसको अलाउ करती है। रेंट रेमुनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन आर अलाउड ओनली व्हेन मेंशन्ड इन द डीड, यही तो बोला, ये तभी अलाउड होंगे जब आपके डीड अलाउ करती है। दूसरी बात, डीड कैन नॉट बी चेंज रिट्रोस्पेक्टिवली, इसका मतलब क्या है, मान लो 1/4 से शुरुआत हुई और 31/3/23 तक बीच में आपको याद आया यहां पर कि भाई अरे डीड में तो हम मेंशन करना ही भूल गए तो हम सैलरी कैसे देंगे, अब तो हमने अब यहां डीड में मेंशन किया, अगर यहां डीड में मेंशन किया, यहां डीड में मेंशन किया, तो इससे पहले वाले पीरियड में जो है क्या कहते हैं सैलरी अलाउड नहीं होगी,
इसके बाद वाले पीरियड में ही क्या होगी, सैलरी अलाउड होगी। तो रिट्रोस्पेक्टिवली आप जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बातें हैं लिमिट्स पे। तो हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो बोलता है कि 12% पार्टनरशिप एक्ट नहीं, पार्टनरशिप एक्ट तो पता नहीं क्या बोलता होगा, इनकम टैक्स एक्ट। हमारा इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि मैक्सिमम जो है कितना हो सकता है, 12% आप दे सकते हो क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे सकते हो, 12% दे सकते हो। तो मान लो डीड में लिखा है 18%, एक्चुअल में आपने दिया 15%, तो अलाउड कितना होगा, 12%, क्योंकि मैक्सिमम इनकम टैक्स के हिसाब से कितना दे सकते हो, 12%। अगला केस देखते हैं, डीड में लिखा है 18%, एक्चुअल आपने दिया 9%, अब अलाउड कितना होगा, देखो इनकम टैक्स में लिखा है 12%, बट 12% तब अलाउड होगा ना जब 12% दिया होगा, आपने दिया ही 9 है तो 9 देंगे, सब में तीनों में से लोअर हो जाएगा। तीन कौन कौन से, 12% एक्चुअल और डीड में जो लिखा है। आगे डीड में लिखा है 9%, दे दिया आपने 15%, अलाउड कितना होगा, 9% अलाउड होगा, तीनों में से लोअर अलाउ होगा। तो ये जो है एज पर द टर्म्स मेंशन इन द डीड अलाउड होता है, बट मैक्सिमम 12% जो है वो अलाउड होता है। सिंपल इंटरेस्ट हर पार्टनर की कैपिटल पे अलग अलग, ठीक है, हर पार्टनर की कैपिटल पे अलग अलग देखना है। जैसे कोई बंदा है जिसकी कैपिटल 6 लाख रुपए है, तो इसका 12% हो जाएगा तो 72,000 अलाउड हो जाएगा। मेरी कैपिटल भी 6 लाख रुपए है लेकिन एक्चुअल मेरे को दिया 9%, तो मेरे को 9% अलाउड होगा, 54,000 अलाउड होगा। तो हर एक बंदे की कैपिटल का अलग अलग आपको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करना है तीनों में से लोअर, तीनों में से कौन कौन सा, डीड, एक्चुअल और 12%, इन तीनों में से क्या देखना है आपको, लोअर देखना है। आगे चलते हैं, सैलरी टू पार्टनर जो है वो लिख रखी है 4 लाख रुपए। और हाँ, अब यहां पर क्या है कि अब नया टॉपिक आ गया सैलरी टू पार्टनर। मान लो 4 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था और हमने 4 लाख सारी की सारी सैलरी में बांट दिया, तो नेट प्रॉफिट बन गया 0। तो क्या कहते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो हमने ना लिमिट सेट कर दी। तो गवर्नमेंट कहती है लिमिट क्या है, लिमिट गवर्नमेंट कहती है ये है कि बुक प्रॉफिट्स, ये बुक प्रॉफिट क्या होते हैं ये मैं आगे समझा दूंगा। एक बार के लिए आप इसको मान लो कि ये होता है नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट बिफोर अलाउिंग सैलरी, यही है। वैसे तो क्या कहते हैं, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा बुक प्रॉफिट का, बट मैं अंडरलाइन कर देता हूं ये वाली लाइन जो हमने लिखी हुई है, कहां लिखी हुई है, देखो ये रहा बुक प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन टू द पार्टनर एज पर द पीजीपी, मतलब एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो बुक प्रॉफिट जो है हमने अब आगे देख लेंगे। तो बुक प्रॉफिट का ये कहती है, गवर्नमेंट कहती है बुक प्रॉफिट का हमें कितना लेना है, 90% लेना है या 1.5 लाख विच एवर इज हायर लेना है, अगर बुक प्रॉफिट है 3 लाख रुपए तक। यानी कि आपकी कंपनी, आपकी पार्टनरशिप हम थोड़ा कमाती है तो हम 90% तक आपको सैलरी अलाउ कर सकते हैं या 1.5 लाख रुपए विच एवर इज हायर ये अलाउ कर सकते हैं। और अगर आपकी फर्म कमाती है ज्यादा 3 लाख से ज्यादा, तो उसको जो है क्या करना है आपको 60% से मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो है क्या कहते हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्योंकि अगर आपके प्रॉफिट 50 लाख है तो पहले 3 लाख पे तो ये वाला रूल लग जाएगा और बाकी 47 लाख के ऊपर जो है ये वाला रूल लग जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद जो है हमें क्या करना है, लॉस है तो अपना ऑब्वियस ही बात है ये 0 आ जाएगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख तो रेमुनरेशन आप फिर भी दे सकते हो, अगर लॉस भी है तब भी आप 1.5 लाख रेमुनरेशन दे ही सकते हो। तो अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, नेट प्रॉफिट था 4 लाख रुपए और रेमुनरेशन दिया 4 लाख रुपए, ये नेट प्रॉफिट मान रहा हूं मैं बिफोर रेमुनरेशन है, बिफोर रेमुनरेशन, अगर ये आफ्टर रेमुनरेशन होता तो अलग तरीके से करते। तो बिफोर रेमुनरेशन है, इसी को हम बोलते हैं बुक प्रॉफिट 4 लाख रुपए। बुक प्रॉफिट का मतलब होता है बिफोर रेमुनरेशन, बिफोर अलाउिंग सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी। अगर वो 4 लाख रुपए है तो उसका 3 लाख वाला पार्ट अलग कर दिया, वो 3 लाख वाला पार्ट अलग कर दिया, और इस 3 लाख का जो है क्या कहते हैं अपना मिल जाएगा 2,70,000, और यहां पर जो बाकी 1 लाख बच गया उसको 60,000, 270% 3,30,000 जो है क्या कर सकते हो आप रेमुनरेशन दे सकते हो। तो 3,30,000 का रेमुनरेशन दिया जा सकता है, आपने दिया 4 लाख का तो 70,000 का रेमुनरेशन डिसअलाउ हो जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, इसको करने के 2 तरीके हैं। अगर आप क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो तो आप लिखोगे नेट प्रॉफिट आया आपका बिफोर रेमुनरेशन 4 लाख रुपए, उसमें से 3.3 लाख रुपीज जो है क्या कहते हैं आप अलाउड है माइनस कर दोगे तो 70,000 रुपए जो है क्या कहते हैं आपका आ जाएगा पीजीबीपी की इनकम आफ्टर अलाउइंग ऑल द एक्सपेंसेस। और अगर इनडायरेक्ट मेथड लगा रहे हो तो आपने क्या किया था, 4 लाख का नेट प्रॉफिट था और 4 लाख ही आपने सैलरी दिखा दी थी,
तो पीजीपी की इनकम आपके हिसाब से हो गई थी जीरो। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 70,000 आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 70,000 जो है वो अलाउ नहीं है, आपने फालतू दे दिया। तो 70,000 एडबैक करोगे डिसअलाउड एक्सपेंस, तो जो है ये आंसर वही आएगा, पीजीपी की इनकम जो है 70,000 आनी है, चाहे कोई मेथड लगा लो। ठीक है बेटे, बात समझ आ गई आपको। इसके बाद चलते हैं आगे। नेक्स्ट बेटे, 20,00,000 रुपए प्रॉफिट है, 5,00,000 का रेमुनरेशन दिया, तो मेरे हिसाब से सारा अलग हो जाएगा, क्योंकि 20,00,000 का जो है 270 तो ये हो गया, बाकी 17,00,000 का 60%, यानी कि 12,90,000 अलाउड था, आपने दिया 5,00,000 है, तो सब कुछ अलाउड है। तो 20,00,000 में से सीधा 5,00,000 आप जो आपने पे किया वो माइनस कर दो, और आपकी 15,00,000 रुपए की क्या कहते हैं इनकम हो गई। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड कर रखा है। इनडायरेक्ट मेथड में भी आंसर यही आएगा, क्योंकि आपने 20 में से 5 को माइनस कर ही दिया होगा, तो 15,00,000 आ गया, इसमें कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा, तो 15 का 15 ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेट प्रॉफिट लिख रखा है 5,00,000 रुपए, और रेमुनरेशन है 6,00,000 रुपए, ये आई थिंक बिफोर होगा, अगर अच्छा आफ्टर है, तो बिफोर है तो फिर लॉस आ गया अकाउंट्स के हिसाब से, तो लॉस आ गया। ठीक है, लेकिन हमें बुक प्रॉफिट निकालने हैं, बुक प्रॉफिट है 5,00,000 रुपए बिफोर रेमुनरेशन। अब 5,00,000 का क्या करोगे, अप टू 3,00,000 तो अपना जो है क्या कहते हैं आप कर लोगे, 270 आ गया, और उससे ऊपर आ गया 120, तो टोटल हो गया 390। 390 अलाउड था, आपने दे दिया 6,00,000 रुपए, तो बाकी 2,10,000 क्या हो जाएगा आपको डिस अलाउ हो जाएगा। तो 2,10,000 जो है डिस अलाउ हो जाएगा। अब इसको दो तरीके हैं करने के, या तो आपका जो लॉस आ रहा है 1,00,000 रुपए नेगेटिव, इसके अंदर 2,00,000 कितना था, 2,10,000 ये ऐड कर दो, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया 1,10,000। या इसको डायरेक्ट मेथड से करना है तो क्या करो, बुक प्रॉफिट लिखो 6,00,000 रुपए, 6,00,000 में से जो अलाउड है वो माइनस कर दो, सॉरी 6,00,000 रेमुनरेशन है, बुक प्रॉफिट है 5,00,000 रुपए, इसमें जो रेमुनरेशन अलाउड है वो माइनस कर दो, अलाउड है 2,390 वो माइनस कर दिया, आंसर आपका वही आना है 1,10,000। तो जो पीजीपीपी का प्रॉफिट है वो आंसर तो आपका वही आना है 1,10,000 रुपए। इसके बाद एक और क्वेश्चन, तो क्या बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे या मैं करवाऊं? तो नेट प्रॉफिट जो है अगले में है 1,00,000 रुपए, रेमुनरेशन है 1,30,000, तो ये बिफोर रेमुनरेशन मान लेते हैं, तो इसमें जो है 1,50,000 रुपए आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो 1,50,000 रुपए आ गया, और आपने पे कर दिया 1,30,000, तो कम ही किया है, तो इसका मतलब जो है कोई डिसअलाउ नहीं होगा, माइनस कर देना सीधा ही। फिर बिफोर रेमुनरेशन था 1,00,000 का लॉस था, और रेमुनरेशन पे कर दिया 4,00,000 रुपए, तो आपको अलाउड सिर्फ कितना होगा 1,50,000 ही जो है क्या कहते हैं अलाउड होगा। अब 1,00,000 का लॉस था बिफोर रेमुनरेशन, 1,50,000 और अलाउ कर दिया, ये भी माइनस कर दो, तो 2,50,000 रुपए जो है क्या कहते हैं आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बुक प्रॉफिट क्या है वो समझाता हूं। वैसे तो मैंने समझा दिया है, बुक प्रॉफिट का मतलब है नेट प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन एज पर द पीजीपीपी। तो देखो क्या लिख रखा है, नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स है 5,00,000। ठीक है जी, लिख दिया मैंने। इसके बाद क्या कहते हैं, रेमुनरेशन इन अबाउट अमाउंट, तो रेमुनरेशन तो एडबैक करना पड़ेगा, 7,00,000 हो गया। करंट ईयर डेप्रिसिएशन अभी तक माइनस नहीं किया, माइनस कर दो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बुक प्रॉफिट क्या होता है, आफ्टर लविंग ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये माइनस कर सकते हो, तो आप 3,00,000 माइनस कर दो। इसके बाद इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स कैपिटल जो है वो, हाँ वो भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आता है प्रॉफिट बिफोर रेमुनरेशन, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है क्या कहते हैं वो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो 1,00,000 आपका बुक प्रॉफिट आ गया, उस बुक प्रॉफिट के अंदर हमें 1,50,000 का रेमुनरेशन लाउ हो जाएगा, तो 1,50,000 का रेमुनरेशन माइनस कर दो, तो 50,000 रुपए का आपका लॉस आ गया। इंटरेस्ट पेड बाय द फर्म टू सच इंडिविजुअल इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। बेटा ये वाला नोट अगर आपको जो है क्या कहते हैं ज्यादा मुश्किल लगता है तो छोड़ भी सकते हो, कभी क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन बता देता हूं क्या है ये। देखो पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपना क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म मान लो, पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है निखिल मुंजाल एंड एसोसिएट, इसमें एक तो पार्टनर हूं मैं, और दूसरा पार्टनर है मान लो ये लड़की, क्या नाम है तेरा, पायल चौधरी जो है क्या कहते हैं अपना, ये पार्टनर है। तो निखिल मुंजाल एंड एसोसिएट में दो पार्टनर हैं, एक है निखिल मुंजाल और एक है पायल चौधरी, दो पार्टनर हैं। अब क्या होता है भाई, अब ये होता है कि एक पायल की ना एक एचयूएफ है, पायल की शादी हो चुकी है और पायल की एक एचयूएफ है, तो जो पायल की एचयूएफ है, अब क्या हुआ निखिल मुंजाल एंड एसोसिएट्स को बहुत ज्यादा जरूरत थी पैसों की, तो पायल ने कहा कि मेरी जो एचयूएफ है ना उस पर सरप्लस पैसा है, तो एचयूएफ जो है क्या करेगी निखिल मुंजाल को लोन दे देगी। तो यानी कि निखिल मुंजाल एंड एसोसिएट को किसने लोन दिया, पायल एंड एचयूएफ ने जो है लोन दिया।
पायल ने लोन नहीं दिया, किसने लोन दिया है? पायल एंड एचयूएफ ने। और निखिल मुंजाल एंड एसोसिएट में पार्टनर कौन कौन है? एक तो निखिल मुंजाल है और एक है पायल चौधरी जो है पार्टनर है। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जो इसको लोन दिया, बदले में निखिल मुंजाल एंड एसोसिएट इसको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। क्या इस इंटरेस्ट पे भी वो रूल लगेगा कि सिर्फ 12% इंटरेस्ट अलाउड होता है? द आंसर इज नो, इस इंटरेस्ट पे वो रूल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो लोन दिया है वो एचयूएफ को दिया ने दिया है, और पायल चौधरी जो पार्टनर है वो खुद की कैपेसिटी में क्या है? पार्टनर है। तो इसीलिए जो है वो इसको लो, पायल को लो, पायल ने लोन नहीं दिया है कि 12% लगे, तो ये जो है यहां पर कोई 12% का लोन अपना रूल नहीं लगेगा। 40B सेक्शन यहां अप्लाई ही नहीं होगा। एक तो इसका एग्जांपल आता है ये वाला। दूसरा एग्जांपल इसका क्या बनता है कि मान लो क्या कहते हैं, निखिल मुंजाल एंड एसोसिएट में दो पार्टनर हैं, एक तो निखिल मुंजाल खुद और एक पायल चौधरी एंड एचयूएफ, मतलब एचयूएफ पार्टनर है, पायल पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ होता है, ये जो पायल है, ये पायल जो है क्या कहते हैं अपने पास आती है, मेरे पास आती है कि सर मुझे नौकरी पर रख लो। तो मैंने कहा ठीक है, नौकरी पर चल रह जा, तो मेरी फर्म के अंदर आप नौकरी कर सकते हो। तो पायल अब क्या करती है, मेरी फर्म के अंदर नौकरी करती है खुद की कैपेसिटी में, एचयूएफ की कैपेसिटी में नहीं। पार्टनर एचयूएफ है, नौकरी कौन कर रही है? पायल। ये दोनों अलग अलग है, इनकम टैक्स में नजर में सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो यहां पर जो है पायल नौकरी करती है मेरे पास, मैं पायल को सैलरी देता हूं, सैलरी देता हूं पायल को, अपना जो है नौकरी करती है मेरे पास, जॉब करती है, सैलरी देता हूं मैं पायल को, मान लो 1,00,000 की सैलरी। क्या इस पे भी 40B सेक्शन लगेगा? नहीं, वो कोई लिमिट्स नहीं लगेंगे बुक प्रॉफिट का, 90%, 60%। क्यों? क्योंकि भाई ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम कर रही है, ये अलग है, और एचयूएफ जो पार्टनर है वो कौन सी कैपेसिटी में है? वो खुद की कैपेसिटी में पार्टनर है। तो ये एचयूएफ जो है क्या कहते हैं, एचयूएफ पार्टनर है, पायल को 40B सेक्शन नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप एचयूएफ को सैलरी दोगे, वैसे तो एचयूएफ काम ही नहीं कर सकता, लेकिन आप एचयूएफ को सैलरी दोगे तो फिर 40B सेक्शन लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। कौन सा एग्जांपल? ये ऊपर वाला, ये वाला, ये इसमें ये है कि निखिल मुंजाल एसोसिएट में दो पार्टनर है, एक निखिल मुंजाल है और एक कौन है? पायल चौधरी पार्टनर है। और पायल जो है क्या कहते हैं, पायल की एक एचयूएफ भी है, और इसकी एचयूएफ जो है क्या कहते हैं, अलग है, ठीक है, इसके पति के साथ एचयूएफ है। तो पायल जो एचयूएफ है, एचयूएफ ने मेरे को क्या दिया? लोन दिया। एचयूएफ ने मेरे को लोन दिया, अब मैं क्या करूंगा, मतलब एसोसिएट क्या करेगी, जो पार्टनरशिप फर्म है, वो लोन के बदले में क्या पे करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो क्या इंटरेस्ट पे कोई लिमिट है कि भाई 15% पे करना है, 12% पे करना है? कोई लिमिट नहीं लगेगी यहां पर। तो जो 40B सेक्शन की लिमिट थी ना, वो यहां पर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि पार्टनर तो ये खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, और लोन जो है वो दिया है इसकी एचयूएफ ने, जिसको हम बोलेंगे कि भाई ये पायल जो है उस एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो लोन तो मिला है इसको एचयूएफ को, और इंटरेस्ट मिला है एचयूएफ को, और पार्टनर जो है ये खुद इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। तो यहां पर जो है क्या कहते हैं, ये 40B सेक्शन नहीं लगेगा, आप इसको जितना मर्जी इंटरेस्ट देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, एचयूएफ में करता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पायल जो है करता है एचयूएफ में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एचयूएफ लोन दे रही है, पायल लोन नहीं दे रही। ये गवर्नमेंट कहती है कि भाई एचयूएफ की कैपेसिटी अलग है, इसकी कैपेसिटी अलग है, ये एज एन इंडिविजुअल खुद की कैपेसिटी में पार्टनर है, और एचयूएफ लोन दे रही है वो अलग चीज है। हाँ, करता है ये एचयूएफ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं मान लो इंटरेस्ट इसके अकाउंट में जाता है, पायल के अकाउंट में, क्योंकि ये करता है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, फिर भी क्या कहते हैं आप जो है डिसअलाउ नहीं होगा, फिर भी अलाउड होगा, क्योंकि जो इसको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसके बिहाफ पे इंटरेस्ट मिल रहा है? एचयूएफ के बिहाफ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, और एचयूएफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसमें कुछ भी डिसअलाउ नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है, अब एक कॉमन सेक्शन आता है, वो ये है कि सेक्शन नंबर 36 कहता है कि कोई ज्यादा खास नहीं है बेटे, ये कॉमन सेंस की बातें हैं। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आप अपना स्टॉक इन ट्रेड है, देखो मेरे पास ये कैलकुलेटर पड़ा है, ये मेरे पास भाई इधर बुक्स पड़ी हैं, ये मेरा सारा स्टॉक इन ट्रेड है, तो मैं अपने स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करा सकता हूँ। तो अगर आप अपने स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस कराते हो तो उसका इंश्योरेंस अलाउड है, कोई चक्कर नहीं है। हाँ, आप जो है क्या कहते हैं, किसी भी तरीके से करा सकते हो, कैश, चेक वगैरह वगैरह। हाँ,
लेकिन सेक्शन 40 एक और था, 40 कौन सा था, 40 40 बी था क्या, हाँ 40 बी था, कैपिटल बी था 40 बी, वो 43 बी, सॉरी 43 बी था, वो बोलता था कि भाई अगर आप 10,000 से ऊपर कैश में पे करोगे बाई एनी मोड अदर देन प्रेस्क्राइब्ड मोड पे करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा। वो सेक्शन तो लगेगा लगेगा, वो तो हर एक चीज पे लगता है, ठीक है। आगे है हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ इंप्लॉइज, तो इसका इंश्योरेंस कराते हो, इंप्लॉइज का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो, वो भी अलाउड है, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन 43 भी तो यहां पर भी लगेगा, 10,000 से ऊपर अगर आप जो है प्रेस्क्राइब्ड मोड के अलावा कराते हो तो आपको जो है क्या कहते हैं डिसअलाउ हो जाएगा जी। 40 ए भी नहीं था, 43 बी होगा, सॉरी 43 बी तो था ड्यू डेट से पहले, हाँ सही बात है, वो 40A3 था, सही कह रहे हो, वो 40A3 था, ठीक है। तो अब जो है क्या कहते हैं आगे क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर इंप्लॉइज तो ये अलाउ हो जाएगा, बट इसमें एक और बात लिख दी कि प्रीमियम शुड बी पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। देखो 10,000 से ऊपर की पेमेंट पे तो ये लग जाएगा 40A3, लेकिन 10,000 से नीचे की पेमेंट पे सिर्फ इस वाले सेकंड पॉइंट में एक बात लिख दी कि आप जो है कैश में नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपको 9,000 का कर रहा है ना तब भी आप कैश में नहीं कर सकते, हाँ लेकिन अगर 10,000 तक है तो आप सिंपल चेक भी अलाउड हो जाएगा, लेकिन 10,000 से ऊपर है तो फिर 43 बी लगेगा, सॉरी 43 बी नहीं 40A3 लगेगा, तो फिर आप 10,000 से ऊपर तो हमेशा अकाउंट पे चेक सही होगा, लेकिन 10,000 से नीचे है तो सेकंड पॉइंट में सिंपल चेक भी चल जाएगा और फर्स्ट पॉइंट में कैश भी चल जाएगा, ऐसा था। इसके अलावा बोनस कमीशन देते हो एम्प्लॉइज को, वो भी अलाउड है, कोई चक्कर नहीं है, 43 भी चेक करना पड़ेगा। फिर मैंने जो है लास्ट क्लासेस में आपको सिखाया था कॉन्ट्रीब्यूशन होता है अपना कुछ फंड्स के अंदर, कई सारे फंड बताए थे, अप्रूव्ड फंड, अप्रूव्ड सुपरनेशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड और अप्रूव्ड या फिर अपना जो है आरपीएफ जो है या फिर एसपीएफ सेचुरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इन सारे जो अप्रूव्ड फंड्स हैं इन फंड्स में अगर पैसा डलवाता है अपना जो है क्या कहते हैं इंप्लॉयर, क्या होता है कि मैंने आपको ये सैलरी चैप्टर में भी करवाया था कि इन फंड्स में तीन लोगों का पैसा डलता है, इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन बोथ ऑफ दीज। तो अभी हम इस इंटरेस्ट की बात तो नहीं कर रहे हो, तो हम सैलरी में बात करते हैं, यहां तो हम बात करेंगे इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन और इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की। इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि मान लो मैंने पायल को सैलरी दी 1,00,000 की सैलरी है, इसमें से मैंने जो है क्या कहते हैं 12% काट लिया इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसको सैलरी दी 88,000 रुपए और 12% यानी कि 12,000 रुपए क्या कहते हैं मैं क्या करूंगा, वो 12,000 रुपए मैं जमा कराऊंगा गवर्नमेंट के पास एसपीएफ में, किसी भी फंड में, एसपीएफ आरपीएफ अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड कोई भी फंड हो सकता है। तो ये तो है एक इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 12,000 मेरे को भी अपनी जेब से ऐड करने पड़ेंगे, 12,000 रुपए मेरे को भी अपनी जेब से ऐड करने पड़ेंगे, तो कुल मिला के मेरी जेब से तो खर्चा कितना हो गया, 1,00,000 की सैलरी वो प्लस के 12,000 ये, टोटल 1,12,000 का खर्चा हो गया, जिसमें से 88,000 तो मैंने पायल के अकाउंट में डाले और 24,000 रुपए मैं कहां जमा कराने वाला हूँ, गवर्नमेंट अकाउंट में जमा कराने वाला हूँ, जिसमें 12,000 जो है क्या कहते हैं इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन और 12,000 क्या है इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे ही मैंने यहां पर जो है अलग करके बताया, मान लो 95,000 तो मैंने दिए अपना पायल को और 5,000 रुपए जो है इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है और 5,000 क्या है इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा एक इंप्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। ये 95,000 जो मैंने पायल को देने हैं ये तो आउटस्टैंडिंग होंगे तब भी अलाउड हो जाएंगे, इस पे कोई रूल नहीं लगता, पायल को दो ना दो मतलब ना दोगे तो फिर तो अलाउ नहीं होंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग भी अलाउ हो जाएंगे, मान लो मार्च को में आपने नहीं दिए, अप्रैल में दोगे, मई में दोगे तो भी आपको अलाउड हो जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है, 6 महीने बाद दोगे तो भी अलाउड हो जाएंगे, मतलब अक्रूल कंसेप्ट लगाते हैं ना, तो मार्च की सैलरी मान लो नहीं दी है रिटर्न भरने से पहले पहले तो भी अलाउड हो जाएगी। लेकिन बात आती है इन कॉन्ट्रीब्यूशंस की, ये कॉन्ट्रीब्यूशंस तभी अलाउ होंगे जब आप जो है क्या कहते हैं गवर्नमेंट को जमा कराओगे। ये इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो थोड़ा सा लीनियंट व्यू है, यहां तो 43 बी लगता है, ये बोलता है कि आपको ये तब अलाउ होगा अगर आपने आईटीआर की डेट से पहले, ध्यान रखें रिस्पेक्टिव एक्ट की डेट नहीं, आईटीआर की डेट से पहले अगर आपने क्या कहते हैं अपना गवर्नमेंट को जमा करा दिया तब आपको अलाउ होगा, अगर आपने आईटीआर की डेट से बाद जमा कराया तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, और फिर अलाउ तब होगा जिस साल आप क्या करोगे जमा कराओगे। तो मान लेते हैं आपने जो है क्या कहते हैं, हाँ इसमें 43 बी लगेगा, 43 बी मैं समझा चुका हूं तो वही कंसेप्ट लगेगा। इसके अलावा जो है अपन बात करते हैं एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन के केस में तो क्या होता है, यहां पर सख्ताई ज्यादा है,
गवर्नमेंट कहती है कि भाई एक तो तूने उसकी सैलरी में से काट लिया, ऊपर से जमा नहीं करा रहा, तो ज्यादा बड़ा गुनाह है। इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ये तो मैंने अपनी जेब से ही देना है, तो इसको अगर मैंने नहीं जमा कराया तो बड़ा गुनाह नहीं है। आईटीआर से पहले करा दोगे तो अलाउड हो जाएगा, नहीं कराओगे तो तब अलाउ होगा जिस साल आप क्या करोगे, जमा कराओगे। लेकिन इंप्लॉयी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आपने आईटीआर की ड्यूडेट नहीं, रिस्पेक्टिव एक्ट की ड्यूडेट, जैसे कि पीएफ एक्ट की ड्यूडेट, अगर उससे पहले पहले जमा ना कराया, उससे पहले पहले जमा ना कराया तो क्या होगा, उससे पहले जमा ना कराया तो डिसअलाउ हो जाएगा और फिर वो कभी भी जो है क्या कहते हैं, अलाउ नहीं होगा, नेवर अलाउड, ठीक है। हाँ, और अनअप्रूव्ड में कराओगे तो वैसे ही डिसअलाउड है, वो तो कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, एक आता है एनपीएस, जो मैंने कल ही आपको टॉपिक कराया डिडक्शन के अंदर, एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, ATCCD सेक्शन याद होगा आपको, ठीक है, ATCCD सेक्शन याद होगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर भाई अपना याद है Tier 1 Tier 2, Tier 1 में तो क्या कहते हैं अपना सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इंप्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, Tier 2 के अंदर आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रीब्यूट करते हो, Tier 2 पे तो ATC लगती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं Tier 1 की बात कर रहा हूँ जिसमें हम जो है क्या कहते हैं, मैं भी कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ, इंप्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, इंप्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ATCCD 1 में मिलता था इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन की छूट, ATCCD 2 में मिलता था इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन की छूट, बट वो तो हम बात कर रहे हैं इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैलरी चैप्टर की, वो तो हम इंप्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अभी मेरे को यहाँ PGP चैप्टर कराना है, यानी कि इंप्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंप्लॉयर ने क्या किया, इंप्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन काटा और वो जमा करा दिया एनपीएस के अंदर, और एक उसने खुद का इंप्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी जमा करा दिया अपना जो है यहाँ पर। इंप्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन तो देखो ऊपर वाले पॉइंट्स में कवर हो जाएगा कि अगर आपने जो है उनका काटा और टाइम पे जमा ना कराया तो फिर क्या हो जाएगा, तो डिसअलाउ हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें 43B लगता है, तो यानी कि ये अलाउड हो जाएगा अगर आप क्या कहते हैं आईटीआर की डेट से पहले जमा कराते हो तो। बट कितना अलाउड है, क्या मन मर्जी का इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करा सकते हो? जैसे मान लो शम्मी भैया है जिसकी सैलरी 15,000 रुपए है, उसको क्या 15 या 18,000 है, तो 18,000 रुपए है, 18,000 रुपए पर मंथ सैलरी है, साल की लगभग जो है क्या कहते हैं 2 लाख 2.5 लाख के आसपास हो गई, तो क्या इतना ही अमाउंट पारस जमा करा सकता है? नहीं, सैलरी का जो है सिर्फ 10% ही जो है अलाउड होगा। अगर आप जमा ज्यादा कराते हो, मान लो 2.5 लाख रुपए जमा करा रहे हो आप साल के, लेकिन 10% ऑफ सैलरी बनता है सिर्फ, 2.5 लाख की सैलरी है 10% बनता है 25,000, तो 25,000 ही अलाउड होगा, बाकी आपका सारा क्या हो जाएगा, डिस अलाउ हो जाएगा, ठीक है। तो 25,000 अलाउड होगा, और वो 25,000 भी तब अलाउड होगा जब आप क्या करोगे, जब आप जो है क्या कहते हैं 43B से पहले पहले आप इसको क्या कर दोगे, जमा करा दोगे, तब अलाउड होगा। ये इंप्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे तो 43B लगता है, और इसमें सैलरी आता है बेसिक प्लस DA इन टर्म्स, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। इसके बाद बैड डेट्स जो है क्या कहते हैं, वो हमें अलाउड होते हैं, बैड डेट्स हमें अलाउड होते हैं, एक्चुअल बैड डेट्स अलाउड होते हैं, आप प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स बनाओगे वो अलाउड नहीं होता, एक्चुअल बैड डेट्स अलाउड होते हैं। बट उन्हीं चीजों के बैड डेट्स अलाउ होते हैं जिनकी इनकम सैलरी है अपना, जिनकी इनकम जो है पीजीपी में जाती है। पीजीपी में कौन सी इनकम जाती है, सैलरी की इनकम जाती है, सैलरी नहीं सॉरी, पीजीपी में कौन सी इनकम जाती है, सैलरी हेड नहीं जाता, पीजीपी में जाता है सेल, तो आपके गुड्स के डेटर जो है उनके बैड डेट्स अलाउ हो जाएंगे। तो जो चीजें पीएनएल में क्रेडिट की गई हैं उन्हीं के बैड डेट्स अलाउ होंगे। जैसे मान लो आपने किसी को लोन दिया, लोन देना आपका बिजनेस नहीं है, लोन एक बैलेंस शीट आइटम है, लायबिलिटी है, तो सॉरी एसेट है, तो लोन आपने दिया ना तो एसेट है, हाँ लोन दिया आपने तो वो आपका बैलेंस शीट आइटम है, वो कोई पीएनएल अकाउंट में कभी जब लोन दिया है तो पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ होगा। अब लोन वाले ने 80,000 रुपए दिए आपने लोन के, और 80,000 जो है क्या कहते हैं उसने क्या किया, उसने जो है वो 80,000 रुपए अपना आपके लेकर भाग गया और आपको वापिस नहीं किए, तो आप ये 80,000 रुपए पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं कर सकते। अकाउंट में तो कर लोगे डेबिट, लेकिन यहां पर इनकम टैक्स में नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कि ये 80,000 कभी अपना क्रेडिट ही नहीं हुआ अकाउंट के अंदर, पीएनएल अकाउंट में डेबिट क्यों कर रहे हो, खर्चा उसी का क्लेम कर सकते हो जिसकी इनकम हो, इसकी जो है ये कोई इनकम नहीं है। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट तो मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम तो होगी, अरे वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में, ये आपका बिजनेस थोड़ी ना है। अगर बिजनेस होता ना फिर जो है क्या कहते हैं यहां पर, फिर जरूर आप इसको डेबिट कर सकते थे। तो बैंक्स वाले तो क्या कर सकते हैं, बैंक्स वालों को तो प्रोविजन भी अलाउड होता है, और बैंक्स वालों को तो ये लोन के बैड डेट्स भी अलाउड होते हैं,
लेकिन नॉर्मल इंसान को जो है लोन वगैरह के बजट अलाउ नहीं होते। जैसे मैं जो है क्या कहते हैं, अब काम की बात करते हैं, काम की बात यही है कि एक्चुअल बजट्स जो है क्या कहते हैं, जो इनकम से रिलेटेड है वो अलाउड हो जाएंगे, लोन वगैरह वाले अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। और बजट्स क्लेम करने के लिए प्राइमरी कंडीशन होती है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पीएनएल अकाउंट में जो है वो डेबिट करना पड़ेगा। बजट्स क्लेम करने के लिए आपको अकाउंट्स के अंदर डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि भाई बजट्स की रिकवरी, बजट्स की रिकवरी। जैसे मान लो मैंने 22-23 के अंदर क्या हुआ, अब ये गुड़िया बैठी है पायल, ये जो है क्या कहते हैं, कहती सर मेरे को पढ़ा दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा 1,00,000 रुपए फीस है। कहती ठीक है सर मैं दे दूंगी। तो भाई रोज लारे लगाती थी, सर आज ले आऊंगी कल ले आऊंगी आज ले आऊंगी कल ले आऊंगी, सारा साल बीत गया फीस ही नहीं दी और बैडेट्स हो गए मेरे। अब कोर्स खत्म हो गया, ये तो सीए बन गई पास हो गई और मैं बेचारा जो है इससे फीस मांगता रह गया, तो ये जो है मेरे बैडेट्स हो गए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो है पीएनएल अकाउंट में बैडेट्स डेबिट कर दूंगा और वो मेरे को टैक्सेशन के अंदर भी पीजीपी में क्या हो जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। लेकिन पता है उसके बाद क्या हुआ, अगले साल 23-24 में क्या हुआ, 23-24 में ये गुड़िया फिर से आई। 23-24 में ये गुड़िया आकर जो है कहती कि सर आपने मेरे को पढ़ाया और मेरी आंखें नम हो गई, आपने जो है क्या कहते हैं इतना अच्छा पढ़ाया और मैं सीए बन गई। मैंने मानती हूँ सर मैंने फीस नहीं दी थी, पहले मैं लालची हो गई थी, लेकिन अब जो है क्या कहते हैं मुझे लगता है कि मेरी सफलता के पीछे गुरुओं का ही हाथ है, तो मैं जो ड्यूज हैं पेंडिंग वो वापस देना चाहती हूँ। तो इसने मेरे को 80,000 रुपये जो है दे दिए, ये मेरी बैडेट्स की रिकवरी है। तो जब मैंने बैडेट्स पीएनएल अकाउंट में डेबिट किए थे, अब मैं अगले साल क्या करूंगा, इसकी रिकवरी भी क्या करूंगा, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट करूंगा, ये मेरी इनकम बन जाएगी। तो बैडेट्स रिकवर्ड जो है वो इनकम बन जाते हैं जिस साल में रिकवर होते हैं। मान लो 80,000 तो मैंने पीएनएल में डेबिट किए थे, ठीक है, लेकिन एओ ने कहा था 80,000 अलाउ नहीं किए थे। एक्चुअली क्या होता है, एओ की भी तो समस्या होती है। मैंने 80,000 पीएनएल में डेबिट किए थे, एओ बोला कि नहीं 80 मैं नहीं मानता कि कोई बच्चा फीस ही ना दे, हाँ मैं 40,000 अलाउ कर दूंगा। तो उसने 40 अलाउ किए थे, मैंने मांगे थे 80, अलाउ किए थे 40। अब अगले साल 22-23 में मेरे को 80,000 पूरी की पूरी फीस ये दे गई, तो क्या मैं 80 टैक्सेबल करूंगा? नहीं, जब बैडेट्स अलाउ ही कितने हुए थे 40, तो मैं अब टैक्सेबल भी कितना करूंगा, 40 ही टैक्सेबल करूंगा, ठीक है। इफ डिडक्शन ऑफ बैडेट्स ऑलरेडी टेकन, इट्स रिकवरी विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिकवरी इवन इफ द असेसी इज नॉट डूइंग द बिजनेस। कहने का मतलब अगले साल मैं कोचिंग छोड़ चुका था, तभी तो इसकी आंखें नम हुई थी कि सर ने मेरी वजह से संन्यास ले लिया, तो इसीलिए जो है क्या कहते हैं ये भागी भागी आई और ये पैसे दिए। तो चाहे बिजनेस बंद भी हो चुका हो, फिर भी जो है बैडेट्स क्या हो जाते हैं, टैक्सेबल हो जाते हैं, ठीक है। और आगे आता है अब इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जीरो कूपन बॉन्ड, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस और 40BA आता है, और अच्छा ये सब आते हैं। तो अब बेटे आता है सेक्शन नंबर 36, ये होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब क्या होता है कि जो लोन है उस पे जो इंटरेस्ट है वो क्या अलाउड होगा या नहीं होगा। लोन आपने किस पर्पज के लिए लिया, तो लोन अगर आपने बिजनेस पर्पज के लिया तो आपका जो है वो इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा, लेकिन अगर आपने लोन आपने पर्सनल पर्पज से लिया तो फिर लोन का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। हाँ, लोन अगर आपने रिलेटिव से लिया तो रिलेटिव से लिया तो भी इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा, बस बिजनेस पर्पज होना चाहिए। और हाँ, उस पर तो 43B सेक्शन भी नहीं लगेगा। 43B सेक्शन लगता है ऐसे इंटरेस्ट वगैरह पे जो इंटरेस्ट जो है अपना पे किया जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, NBFC बैंक को या स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, ठीक है। तो ये सब है, बाकी ये नीचे वाले आप जो है पढ़ लेना एक बार, कुछ ज्यादा खास है नहीं ये, ठीक है। फिर जीरो कूपन बॉन्ड जो है क्या होता है, जीरो कूपन बॉन्ड शुरू इशू किया जाता है अपना, आज मान लो इशू किया जाता है तो 2 साल बाद उसकी क्या कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड की मान लो रिडेम्पशन है, तो वो रिडेम्पशन होती है पार पे। मान लो जीरो कूपन बॉन्ड 1,000 रुपए की फेस वैल्यू है तो 1,000 रुपए पे रिडेम्पशन होगी, और जीरो कूपन बॉन्ड इशू किया जाएगा मान लो आज, 2 साल का टाइम पीरियड है, तो वो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि लिख रखा है जीरो कूपन, इंटरेस्ट नहीं होता, तो पर एनम कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो फिर लोग जीरो कूपन बॉन्ड खरीदेंगे क्यों, वो 1,000 रुपए की जगह डिस्काउंट पे इशू होगा, मान लो 800 पे इशू होगा, तो वो 200 रुपए जो डिफरेंस है वही उसकी क्या बनेगी, इनकम बनेगी। तो उस 200 रुपए को क्या कहते हैं, ये कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है जो कंपनी इशू कर रही है, वो 200 रुपए क्या किया जा सकता है, वो जो है एक्सपेंस डेबिट किया जा सकता है। बट ये लाइफ ऑफ द बॉन्ड में जो है हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और इस तरह से जो है आपको पर एनम एक्सपेंस अलाउड हो जाएगा।
इसके बाद है फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस क्या होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये सिर्फ अलाउड होता है कंपनी को, कंपनी बड़ी बड़ी कंपनीज, इंफोसिस इतनी बड़ी कंपनी, उसको कहा जाता है कि जो तेरे इंप्लॉयज हैं, 1 लाख इंप्लॉयज हैं इंफोसिस के, वो 1 लाख इंप्लॉयज को आप क्या करो, आप बताओ कि फैमिली प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, उनको बताओ कि 2 बच्चे ठीक होते हैं, इससे ज्यादा नहीं करने चाहिए, ये सारी ज्ञान की बातें जो है बतानी चाहिए इंप्लॉयज को, अवेयरनेस देनी चाहिए इंप्लॉयज को। तो ये होता है फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग के लिए मान लो कोई भी खर्चा करेगी कंपनी, रेवेन्यू खर्चा क्या हो सकता है भाई, डॉक्टर की विजिट करवा दी, या फिर कुछ और अपना हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है कि कोई मशीन लगवा दी, या फिर कोई क्या कहते हैं अपना उन्होंने कोई अपना बैनर लगवा दिया, कोई पोस्टर लगवा दिया। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है फैमिली प्लानिंग के लिए वो भी अलाउड है, रेवेन्यू भी अलाउड है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउ होगा आपको 5 equal annual installments के अंदर, ठीक है। और हाँ, अब जैसे अनअब्सॉर्ब्ड लिख रखा है, अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि भाई मान लो आपने 1 लाख का खर्चा किया इस बार, तो 1 लाख का जो है क्या कहते हैं 20,000 रुपए इस साल अलाउ होना है। अब वो 20,000 रुपए आप पीएनएल में डेबिट जो है क्या कहते हैं करोगे, बट पीएनएल में मान लो प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट की जगह पहले ही लॉस है, तो ये 20,000 रुपए क्या रह गया, अनअब्सॉर्ब्ड। ऐसे ही मैंने आपको अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिशन सिखाया था, ऐसे ही हो गया अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो ये जो अनअब्सॉर्ब्ड रह गया, इसकी सेम ट्रीटमेंट होती है जैसे कि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रेशन की होती है। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रेशन की ट्रीटमेंट क्या होती है कि उसको जो है क्या कहते हैं अगले साल में भी वही दर्जा मिलता है कि एज इफ कि वो इसी साल का डेप्रिशिएशन है। तो इसको भी जो है क्या कहते हैं अगले साल जब कैरी फॉरवर्ड करोगे तो ये सभी हेड से सेट ऑफ कर पाएंगे, इस तरह से जो है बोला गया, ठीक है, एक्सेप्ट हेड ऑफ सैलरी, ठीक है। हालांकि ये और अनलिमिटेड ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, हालांकि ये जो है मुझे नहीं लगता है पूछा जाना चाहिए। और ऐसे ही, और अगर मान लो कोई एसेट जो है क्या कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो एसेट है वो बेचा गया, तो उसको ट्रीटमेंट देनी है जैसे साइंटिफिक रिसर्च के एसेट को देते हो। जैसे साइंटिफिक रिसर्च के एसेट में क्या करते हो कि उसको ब्लॉक में नील वैल्यू पे ऐड करते हैं अगर नॉर्मल बिजनेस में ले आए तो, और अगर क्या कहते हैं अपना जो है नॉर्मल बिजनेस की जगह आप किसी सीधा ही बेच देते हो तो फिर आप क्या करते हो, फिर जो है वो टैक्सेबल कर देते हो। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो है साइंटिफिक रिसर्च का जो मैंने आपको कराया था पिछली रिकॉर्डिंग के अंदर उसके हिसाब से ही करना है इसको भी। हालांकि ये 2 पॉइंट्स ज्यादा जो है एग्जाम में नहीं आए हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। एक होता है एसटीटी, एक होता है सीटीटी, ये आपको कैपिटल गेन में भी कराया था, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स और कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। इट इज अलाउड इफ यू आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ शेयर्स एंड कमोडिटीज। So if you are doing the business of shares and commodities, then these two expenditure are allowed. ये जो है एसटीटी और सीटीटी लगता है on the buying selling of shares and commodities. So if you are doing the business of share market, then एसटीटी is allowed to you. And if you are doing the business of commodity market, then सीटीटी is allowed to you. Otherwise, it will not be allowed to anyone else. So like me, I'm engaged in the business of teaching. So, CTT and STT will not be allowed to me. आगे चलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है AOP BOI को जो है आपने AOP BOI जब सैलरी देती है अपने मेंबर्स को, तो AOP BOI जो अपना सैलरी देती है अपने मेंबर्स को वो उनको जो है क्या कहते हैं अलाउड नहीं होती। जैसे पार्टनरशिप फर्म को तो क्या थी 40B सेक्शन लगता था, सैलरी अलाउड थी, बट ये अपना AOP BOI के केस में 40BA लगता है, छोटे वाला BA आएगा। तो ये इनको जो है क्या कहते हैं AOP BOI को सैलरी देना अलाउड नहीं है। सैलरी टू द मेंबर्स ऑफ AOP BOI आर नॉट अलाउड, यानी कि AOP BOI को ये डिसअलाउ हो जाएगा, इसको एडबैक करना पड़ेगा। सैलरी इंटरेस्ट गिवन बाय द AOP BOI देन AOP BOI पे टैक्स ऑन इट। तो AOP BOI को इसको टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि उनको अलाउड नहीं होगा, उनकी इनकम में एडबैक हो जाएगा। मान लो AOP BOI ने सैलरी दी तो उनको यहां पर एडबैक करना पड़ेगा, उनको जो है अलाउड नहीं होगा। हाँ, क्योंकि अब टैक्स पे कर चुकी होगी AOP BOI, तो फिर वो मेंबर्स के पास क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। AOP BOI और मेंबर एक ही हैं, चाहे पैन नंबर अलग अलग है, ऐसा गवर्नमेंट कहती है तभी उनको सैलरी देना अलाउड नहीं है। लेकिन फर्म और LLP के केस में क्या होता है, सैलरी देना अलाउड होता है। तो जो भी क्या कहते हैं सैलरी पे की गई है, इंटरेस्ट पे किया गया है, विच इज एज पर द लिमिट ऑफ 40B सेक्शन, इट इज अलाउड टू द फर्म, हेंस इट विल बी टैक्सेबल टू द पार्टनर्स। कहने का मतलब जो भी सैलरी वगैरह है वो अगर 40B की लिमिट्स के अंदर है, 40B की लिमिट क्या थी, 12% तो थी इंटरेस्ट के केस में,
और सैलरी के केस में आई थिंक थी 1.5 लाख रुपए और फिर 60% वगैरह था। तो अगर लिमिट्स के अंदर है तो पार्टनरशिप फर्म को अलाउड होगी, पार्टनरशिप फर्म को अलाउड होगी तो फिर जो है क्या कहते हैं पार्टनर्स के पास जब वो मिलेगी तो उनको फिर क्या होगी टैक्सेबल होगी। लेकिन जो सैलरी वगैरह दी जाएगी लिमिट से ऊपर वो पार्टनरशिप फर्म को क्या हो जाएगी डिसअलाउड हो जाएगी, तो पार्टनर्स के पास क्या हो जाएगी वो एग्जम्प्ट हो जाएगी। और जो पार्टनरशिप फर्म से प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है दैट इज ऑलवेज एग्जम्प्ट टू द पार्टनर्स बिकॉज उसके ऊपर टैक्स कौन पे करता है फर्म पे करती है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनरशिप फर्म टू द पार्टनर, जैसे मान लो 2 लाख रुपए कमाए उसका 30% मिला तो वो हमेशा जो है क्या कहते हैं पार्टनर्स को एग्जम्प्ट रहेगा। हेयर फर्म इंक्लूड्स LLP, फर्म और LLP भी जो है क्या कहते हैं सेम प्रोविजन लगते हैं। इसके बाद जो है एक और पॉइंट आता है सैलरी, सैलरी पेड टू द NR। एक्चुअली कल मैंने जब पिछले लेक्चर्स के अंदर पिछले संडे को आपको बताया था सैलरी पेड टू द NR नहीं बताया था, मैंने कहा था एनी अदर एक्सपेंस पेड टू द NR। मैंने कहा था कि जैसे पारस ने पार्टी की जस्टिन बीबर बुलाया, एनी अदर एक्सपेंस पेड टू द NR। जब कोई और एक्सपेंस पे किया जाता है NR को तो वहां पर जो है क्या कहते हैं जब कोई और एक्सपेंस पे किया जाता है NR को, बस जब कोई और एक्सपेंस पे किया जाता है NR को तो वहां पर जो है NR को TDS काटना कंपलसरी, मतलब NR का TDS काटना कंपलसरी है। और TDS काट कर आपको कब जमा कराना होता है इनकम टैक्स की जो रिटर्न की ड्यूट से पहले जमा कराना पड़ता है, अदरवाइज वो क्या हो जाता है डिसअलाउ। फिर वो तब अलाउ होता है जब आप क्या करते हो जिस साल में जमा कराते हो। बट यहां पर क्या है सैलरी है, अगर NR को सैलरी पे करोगे तो उसका TDS काटना पड़ेगा आपको और जमा कराना पड़ेगा TDS की ड्यू डेट से पहले, TDS की ड्यू डेट से पहले जमा कराना पड़ेगा TDS की ड्यू डेट से पहले। अगर नहीं करोगे तो डिसअलाउ हो जाएगा और फिर कभी वापस अलाउ भी नहीं होगा। तो यहां थोड़े से स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, इट इज सैलरी टू NR। इसके बाद जो है क्या कहते हैं अपने पास एक टॉपिक आता है परक्यूजिट टू द इम्प्लॉई। देखो इम्प्लॉई को कई सारे परक्यूजिट पे किए जाते हैं, जैसे कि गौरव सर को गाड़ी दे दी मान लो पारस ने फ्री में यूज करने के लिए, तो ये भी एक परक्यूजिट है। तो ये जो परक्यूजिट है ये टैक्सेबल कैसे होता है, ये मैंने आपको कराया था, याद है आपको अपना सैलरी हेड में कराया था कि POPP पार्टली पर्सनल पार्टली ऑफिस या फुली ऑफिस या फुली पर्सनल। तो वो मैंने सिखाया था कि कार जो है वो कैसे टैक्सेबल होती है, किसको कैसे टैक्सेबल होती है, अपना इम्प्लॉई को कैसे टैक्सेबल होती है। तो कार इम्प्लॉई को कैसे टैक्सेबल होती है ये मैंने आपको क्या किया था सिखाया था, कार इम्प्लॉई को कैसे टैक्सेबल होती है ये मैंने आपको सिखाया था। तो अब टैक्सेबल होती है इम्प्लॉई को, मान लो गौरव सर को टैक्सेबल होनी है, गौरव सर की वैसे सैलरी है 20 लाख रुपए, बट 2 लाख रुपए जो है कार टैक्सेबल होगी, टोटल हो गया 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए के ऊपर मान लो इनकम टैक्स बनता है, मैं 10% लगा लेता हूं एक बार सिंपलिसिटी के लिए, 2.2 लाख रुपए। अब 2.2 लाख रुपए इनकम टैक्स बनता है, पारस ये बोलता है कि भाई गौरव तेरी जो 20 लाख रुपए की जो सैलरी है ना उसके ऊपर टैक्स तो तू खुद दे जो 2 लाख बनता है, लेकिन जो 2 लाख रुपए की हमने तेरे को कार यूज करने के लिए दी है ना इस परक्यूजिट के ऊपर टैक्स हम खुद भरेंगे अपनी जेब से। तो जो 20,000 रुपए जो है क्या कहते हैं टैक्स बनता है इस कार की फैसिलिटी के ऊपर, कार के ऊपर नहीं कार की फैसिलिटी के ऊपर, कार की फैसिलिटी जो दी है, जरूरी नहीं है कार की फैसिलिटी कोई भी हो सकता है घर की फैसिलिटी। तो मतलब एनी परक्यूजिट किसी भी परक्यूजिट के ऊपर जो टैक्स है वो कौन भरना चाहता है, पारस भरना चाहता है कि भाई गौरव टैक्स तो बनता है तेरा लेकिन हम चाहते हैं कि तेरे को फैसिलिटी दे रहे हैं तेरे को बेचारे को टैक्स ना भरना पड़े। तो 20,000 रुपए जो है क्या कहते हैं पारस भरना चाहता है और पारस भर भी देता है। तो इनकम टैक्स ऑन द परक्यूजिट इज पेड बाय एम्प्लॉयर, ऐसा परक्यूजिट एम्प्लॉयर को अलाउड नहीं होगा। तो एम्प्लॉयर को घना श्याणा बनने की जरूरत नहीं है। तो गौरव सर की 20 लाख की सैलरी तो अलाउ हो जाएगी, सर के 2 लाख रुपए का परक्यूजिट अलाउ होगा ये भी तो अलाउ नहीं होगा ना, क्योंकि ये कार किसके नाम पे होगी, पारस के नाम पे, कार का डेप्रिशिएशन मिलेगा पारस को। तो ये 20,000 ये 2 लाख रुपए थोड़ी ना मिलेंगे। हाँ मान लो ड्राइवर दिया गया तो ड्राइवर की सैलरी पारस भर रहा है, हाँ वो अलाउड हो जाएगा। तो जो एक्चुअल खर्चे करोगे वो अलाउड होगा। ऐसे ये 2 लाख रुपए आपने POPP में निकाला था ऐसे रैंडमली बेसिस मल्टीप्लाई करके 1800 पर मंथ, वो थोड़ी ना पारस को अलाउ हो जाएगा। तो पारस को एक्चुअल खर्चा अलाउ होगा ना, कि मान लो कार पारस ने रेंट पे लेकर दी है तो पारस को रेंट अलाउ हो जाएगा, कार मान लो पारस की खुद की है तो उसका डेप्रिशन अलाउ हो जाएगा, तो वो तो अलाउ हो जाएगा। बट जो 20,000 रुपए टैक्स जो बनता है गौरव सर को पे करना चाहिए आइडियली, लेकिन वो पे कर रहा है पारस, तो वो उसको अलाउ नहीं होगा।
ठीक है। अब जो है वो क्या बात होती है, फिर 20,000 ये टैक्स जो है गोरो सर को नहीं देना पड़ेगा अपनी जेब से, ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और साथ में ये जो है क्या कहते हैं, जो 20,000 रुपए जो है टैक्स पे किया है अपना पारस ने, वो इम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट रहेगा, यानी कि 20,000 रुपए जो है क्या कहते हैं इम्प्लॉय की इनकम में ऐड नहीं होगा, एग्जम्प्ट हो। इसके बाद हमें बताना है रिलेटिव कौन कौन होएगा। तो बेटे इंडिविजुअल का बिजनेस है अगर प्रोप्राइटरी, अगर किसी का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो उसमें कौन कौन रिलेटिव होगा मैं बताता हूं। उसमें रिलेटिव होगा उसकी स्पाउस, उसकी बीवी, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके भाई, उसके बहन, उसके बच्चे, और बस यही है, यही अपना जो है ठीक है यही हो जाएंगे। तो इन लोगों को अगर अनरीजनेबल अमाउंट मिलेगी तो डिसअलाउ होगी, वैसे डिसअलाउ नहीं होगी। मान लो बीवी को रख लिया नौकरी पे, अभी बता ही दिया एग्जांपल, मान लो पापा को रख लिया नौकरी पे, पापा को 10,000 रुपए महीना सैलरी बनती है, दे रहे हैं 20,000 रुपए, तो 10,000 डिसअलाउ हो जाएगी, ऐसा मैंने आपको बताया। ये तो सोल प्रोप्राइटर के केस में बता दिया मैंने, प्रोप्राइटर हाँ इवन प्रोप्राइटर को तो नोशनल सैलरी अलाउड ही नहीं होती, तो प्रोप्राइटर को तो नोशनल सैलरी अलाउड ही नहीं होती। प्रोप्राइटर के रिलेटिव को बता दिया मैंने, प्रोप्राइटर की एंटरप्राइज ये भी बताना है। ये प्रोप्राइटर जो है क्या कहते हैं, हो सकता है इसकी कोई दूसरी कंपनी भी हो, जैसे मान लो विवेक सर है, वीएम सर, वीएम सर की एक तो कंपनी है जिसका नाम है पारस, और एक मान लो वीएम सर की खुद की फर्म है जिसका नाम है वीएम एंड एसोसिएट। तो मान लेते हैं वीएम एंड एसोसिएट ने पारस की पेमेंट की, और पारस की पेमेंट की और पारस को अनरीजनेबल पे किया, मान लो पारस से कुछ खरीदा इन्होंने वीएम एंड एसोसिएट ने, और अनरीजनेबल अमाउंट जो है क्या कहते हैं पे की, तो वीएम सर, वीएम एंड एसोसिएट को क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। तो मतलब अपना प्रोप्राइटर की एंटरप्राइज अगर हो, उसको कोई अनरीजनेबल पेमेंट की जाए, वो भी डिसअलाउ हो जाती है। ऐसी प्रोप्राइटर के रिलेटिव की एंटरप्राइज, यानी कि वीएम सर ने पेमेंट की उसकी वाइफ की एंटरप्राइज को, वीएम सर की वाइफ, उनकी कोई एंटरप्राइज है उसको पेमेंट की, तो भी जो है क्या कहते हैं अनरीजनेबल हो जाएगा, डिसअलाउड। ऐसे ही अब आते हैं एचयूएफ की तरफ। मान लो मेरी एचयूएफ है, तो मेरी एचयूएफ पेमेंट करती है या तो मेरे को, या मेरी बीवी को, या मेरे रिश्तेदारों को। मेरी एचयूएफ मेरे रिश्तेदारों को पेमेंट करती है, अनरीजनेबल डिसअलाउ हो जाएगा। मेरी एचयूएफ मेरे को पेमेंट करती है, अनरीजनेबल डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये चीज है। इसके अलावा जो है रिलेटिव ऑफ मेंबर्स को भी जो है क्या अनरीजनेबल डिसअलाउ हो जाएगा। और एक और बात बता दूं, दो बातें वो भी तो ऐड होंगी ना, कि फिर मेंबर की एंटरप्राइज, मेरी कोई दूसरी एंटरप्राइज है, मेरी कोई दूसरी, एक तो एनएम एंड एचयूएफ, एक है एनएम एंड एसोसिएट, तो एनएम एंड एचयूएफ जो है वो पेमेंट करती है किसको, एनएम एंड एसोसिएट को, तो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, अनरीजनेबल। और मेरे रिलेटिव की एंटरप्राइज, मेरे बच्चे की कोई कंपनी है उसमें पेमेंट करती है, तो भी जो है अनरीजनेबल डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसे पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पेमेंट करती है, अनरीजनेबल डिसअलाउ हो जाएगा। पार्टनर की रिलेटिव को पेमेंट करती है, अनरीजनेबल डिसअलाउ हो जाएगा। पार्टनर की एंटरप्राइज को पेमेंट करती है, अनरीजनेबल डिसअलाउ हो जाएगा। पार्टनर की एंटरप्राइज नहीं, पार्टनर के रिलेटिव की एंटरप्राइज को पेमेंट करती है अनरीजनेबल, तो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसी एओपी बीओआई, ऐसे ही जो है कंपनी, बस कंपनी में डायरेक्टर आ जाएंगे इसकी जगह। शेयर होल्डर आएंगे क्या, शेयर होल्डर भी आएंगे, लेकिन वो शेयर होल्डर आएगा जिसका क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, 20% वाला शेयर होल्डर आएगा। छोटे मोटे मेरे पास रिलायंस के शेयर है बेटे, जो अपना 1,00,000 के शेयर है, अब वो 1,00,000 के शेयर रिलायंस की 16,00,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन का कितना है, 1,00,000, तो यानी कि 16 करोड़ का, मतलब 1/16 करोड़ इतना हिस्सा है मेरे पास, 1/16 करोड़ ये मेरे पास रिलायंस का जो है हिस्सा है। तो अगर मैं रिलायंस से कोई पेमेंट रिसीव करता हूं अनरीजनेबल, रिलायंस को कुछ डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि रिलायंस अब ऐसे मच्छर मकोड़ों को थोड़ी ना पहचानती है, ऐसे छोटे मोटे शेयर होल्डर को थोड़ी ना डिसअलाउ होगा। आगे चलते हैं, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मैंने समझा ही दिया 20% वाला, किसी भी पर्सन का किसी भी एंटरप्राइज में अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो आपस में डिसअलाउ हो सकता है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट काउंट कैसे होता है, कंपनी के केस में 20% और मोर जो है इक्विटी अपना देखा जाता है, और फर्म वगैरह के केस में 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा जाता है, एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर देखा जाता है। ठीक है, अब ये कुछ एग्जांपल बना रखे हैं जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो ज्यादा आपको इनके चक्करों में जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है।
क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ऐसा जो है किसने बोला था, इसने बोला तो था। चलो आगे चलते हैं। हाँ एक गाना है बादशाह का, उसमें बोला था बादशाह ने। अगर एक दिन वही एक दिन भी वो रिलेटिव है तो रिलेटिव फॉर होल ईयर माना जाएगा। हाँ जी ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ एक एक और चीज होती है, अगर आप कॉमन सब्सिडरी हो, कॉमन सब्सिडरी समझते हो, कॉमन सब्सिडरी क्या होता है, 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 कॉमन सब्सिडरी मतलब कि आप अंडर कॉमन कंट्रोल आते हो तब भी जो है क्या कहते हैं, अगर कॉमन कंट्रोल में आते हो तब भी आपको अनरीजनेबल डिसअलाउ हो जाएगा। खैर मैं सर बाकी जो है एग्जाम्पल नहीं करा रहा, क्योंकि पिछली बार जब एग्जाम में अपना कराए थे क्लास में कंफ्यूजन आपकी बढ़ गई थी। ठीक है आप इतना ही रखो, सिंपल रखो जो एग्जाम में आने के चांस है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटे 41 सेक्शन। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, 41 का 2 तो करा दिया, SLM मेथड के केस में साइंटिफिक रिसर्च की सेल भी करा दी, बैडेट्स की रिकवरी भी करा दी, सिर्फ 41-1 बच गया वो कराता हूं। 41-1 है बेटे सजेशन ऑफ लाइबिलिटी। सजेशन ऑफ लाइबिलिटी पता क्या होता है, मान लो मैंने ये गुड़िया बैठी है पायल, इसके पैसे देने थे तो मैंने इसके पैसे देने थे, नहीं सॉरी अपना हाँ मैंने इसके पैसे देने थे, पायल के पैसे देने थे। पायल मैंने तेरे से क्या खरीदा था, मान लो एसी खरीदा था मैंने पायल से, तो मैंने एसी अपना जो है खरीदा और पायल के पैसे देने हैं, मैंने पैसे दिए ही नहीं। मैंने ये रोज चक्कर मारती है, हर 6 महीने बाद आती है सर पैसे, मैं कहता हूँ कल आना छोटे नहीं है, भगा देता हूँ इसको, ये मतलब कोई बहाना बना देता हूँ कि भाई ठीक है दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, पायल को मन में आया कि छोड़ यार ये क्या मतलब जो है क्या कहते हैं, नहीं देते सर तो यार पैसे, छोड़ यार नींद मांगते हैं, उससे खत्म हो गया। तो मेरी लाइबिलिटी जो थी वो सीज हो गई, मेरी लाइबिलिटी सीज हो गई, सिजेशन मतलब खत्म हो जाना। तो अगर मेरी लाइबिलिटी सीज जाती है तो मेरी वो इनकम मानी जाएगी, क्योंकि जब आपने वो खर्चा किया होगा तो आपने उसको पीएनएल में डेबिट किया होगा। जैसे मान लो आपने एसी खरीदा तो उसका डेप्रेशन आप क्लेम कर रहे होगे, तो अब वो आपकी क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। इफ रिडक्शन हैज बीन टेकन इन एक्सपेंडिचर, अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर क्लेम किया हुआ है पीएनएल अकाउंट में और फिर आने वाले सालों में रेमिशन हो जाता है, सिजेशन हो जाता है ऑफ द लाइबिलिटी, तो टैक्सेबल हो जाएगा जिस साल में क्या हो जाता है, सिजेशन। एंड इट विल ऑल्सो अप्लाई टू द बिजनेस, जो आपने बिजनेस खत्म कर दिया है। मान लो क्या हुआ, अगले साल क्या हुआ, मैंने कोचिंग पढ़ाना छोड़ ही दिया और कोचिंग पढ़ाना छोड़ दिया और फिर जो है क्या कहते हैं अपना पायल कहती है कि सर आपने कोचिंग ही छोड़ दी, अब आपसे क्या पैसे लेने, आप तो पहले ही गरीब हो, तो इसीलिए जो है क्या कह रहे हैं, इसने मेरे को पैसे माफ कर दिए, तो जो पैसे माफ किए वो मेरे को फिर भी टैक्सेबल हो जाएंगे, चाहे मैं बिजनेस जो है बंद कर चुका हूं। ठीक है तो लिख रखा है देखो कि इट विल बी टैक्सेबल इवन इफ द बिजनेस जो है वो सीज हो जाता है। इसके अलावा इट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल टू सक्सेसर, अगर मान लो मैंने बिजनेस बेच दिया कि मैंने कोचिंग का अपना सारा जो है अपना ये बिजनेस बेच के किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो मान लो ये आया एक अपना लड़का है, नाम भूल गया मैं इसका, ये आया और ये बोलता है कि भाई अपना सर मैं आपका बिजनेस खरीद लेता हूँ, मेरे को भी पढ़ाने का बहुत शौक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो अब क्या हुआ कि भाई पायल कहती कि सर तो रहे नहीं, अब इससे तो क्या पैसे मांगने, तो वैसे ही नचड़ा है, तो ठीक है, तो सीजेशन ऑफ लाइबिलिटी हो गई। तो फिर जो है क्या कहते हैं, जो सक्सेसर है उसको भी क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा राइटिंग ऑफ सच लाइबिलिटीज इन द अकाउंट्स इज डीम्ड सजेशन। हाँ अगर आपने अपने अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी लाइबिलिटी को खत्म करने की, वही एंट्री मानी जाएगी कि भाई आपको जो है अब टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है और ये चीज अप्लाई होगी हर एक पे। 41-1 था सजेशन ऑफ लाइबिलिटी, 41-2 जो था वो अभी हमने किया था SLM मेथड वाला, 41-3 शायद था अपना जो है साइंटिफिक रिसर्च का सेल, 41-4 जो है वो है बैड डेट्स की रिकवरी, तो ये सब पे जो है अप्लाई हो जाएगी। 41-5 शायद है ही नहीं जी। अरे ऑब्वियस ये बात है, जितना एक्सपेंस डेबिट किया है ये दोनों में से जो भी लोअर होगा, कहने का मतलब मान लो 1,00,000 रुपए की लाइबिलिटी थी मेरी, लेकिन आपने माफ किया मेरे को सिर्फ 50,000 रुपए, 50,000 तो मेरे से लेकर चले गए, तो सिर्फ 50,000 ही मैं अपनी इनकम मानूंगा ना बचा हुआ। एसी खरीदा 80,000 रुपए का, अच्छा नहीं इनने कहा है कि भाई एसी खरीदा 80,000 रुपए का, डेप्रेशन आपने अभी तक क्लेम करा 10,000 रुपए का, तो इनकम कितनी मानोगे। एक्चुअली इस पॉइंट पे ना साइलेंट है अभी, तो मेरे हिसाब से एग्जाम में आएगा तो एक्सपेंडिचर वाला आएगा, एसेट वाला नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका डेप्रिसिएशन मिलते रहना चाहिए फ्यूचर में, और आज पहले आप क्या मान लो, सारी इनकम मान लो, बट ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, हो सकता है जो है क्या कहते हैं अलग हो, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर वाला पूछा जाना चाहिए, ये तो मेरा क्या हो गया, मैंने एसेट खरीद लिया, तो एक्सपेंडिचर वाला कोई पूछना चाहिए कि मान लो मैंने तेरी सैलरी देनी थी, तूने कहा सैलरी नहीं लेता जा, ठीक है, तो वो सैलरी जो है क्या कहते हैं मेरे को क्या हो, पहले मैंने सैलरी क्या किया होगा पिंडल में डेबिट, अब क्या हो जाएगा क्रेडिट, ठीक है। अब ये बोलता है कि जो मान लो 22-23 में क्या हुआ, मेरे को 50,000 रुपए का लॉस था बिजनेस का, और मैंने यहां बिजनेस करना बंद कर दिया, तो अब 23-24 में क्या हुआ, मेरे को सिजेशन ऑफ लायबिलिटी हो गई, यानी कि ये मैंने बिजनेस बंद कर दिया, अब पायल आई, पायल कहती कि सर आपसे मैं पैसे नहीं लेती, तो उसने मेरे 1,00,000 रुपए माफ कर दिए, अब ये 1,00,000 हो गई मेरी इनकम, तो क्या इस इनकम में से मैं पिछला लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ, यस, तो मैं पिछला लॉस एडजस्ट कर सकता हूँ, तो ये लॉस एडजस्ट हो सकता है। नोट लिख रखा है, इफ इनकम इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 41 रिलेटेड टू द बिजनेस दैट सीज टू एग्जिस्ट, जो बंद हो जाता है और अनअब्सॉर्ब्ड लॉस पड़ा है, ठीक है, एंड सच लॉस अरोज इन दैट बिजनेस, और वो लॉस उसी बिजनेस का है, तो उस लॉस को जो है क्या कर सकते हैं, अपना एडजस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच इट सीज टू एग्जिस्ट। वो लॉस कब का है, उस साल का है जिस साल मैंने बिजनेस क्या किया था, बंद किया था, तो उस लॉस को मैं क्या कर सकता हूँ, सेट ऑफ कर सकता हूँ इस इनकम से, इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 8 years। वैसे 8 साल तक होता है कि हम बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट इस सिजेशन ऑफ लायबिलिटी के केस में हम 8 साल से पुराने लॉस को भी क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा ये पॉइंट पूछा नहीं गया, कभी भी काफी डीप पॉइंट हो जाता है। अब बेटे बेहद आसान सा कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कौन कौन से थे, अब सिर्फ ये बोलना है कि प्रोफेशनल्स को कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है और बिजनेसमैन को कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है। प्रोफेशनल को कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ती है, तो बोलता है पहले हम बात करेंगे स्पेसिफाइड प्रोफेशन की, मैंने बता ही दिए स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन कौन है, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो जो स्पेसिफाइड प्रोफेशंस हैं उनको ये वाली किताबें तब बनानी है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये कंडीशन है कि अगर उन स्पेसिफाइड प्रोफेशन यानी कि सलमान खान, निखिल मुंजाल, इन सब बड़े लोगों की अगर टर्नओवर पिछले तीनों सालों की, तीन प्रीवियस ईयर ऑल पिछले तीनों सालों की अगर 1.5 लाख से ऊपर है तो क्या कहते हैं, पिछले 3 साल मतलब आज साल चल रहा है हमारे सिलेबस में 22-23, तो 22-23 में उसको मेरे को निखिल मुंजाल को बुक्स बनानी है नहीं बनानी, तो मैं 22-23 से पिछले 3 साल की टर्नओवर देखूंगा निखिल मुंजाल की, अगर वो 1.5 लाख रुपए से ऊपर है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये सारी बुक्स बनानी पड़ेगी, कैश बुक, जर्नल, लेजर, बिल्स की कॉपी मेंटेन करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, ठीक है। एक्सपेंडिचर के बिल भी रखने पड़ेंगे, परचेज के तो ओरिजिनल बिल रखने पड़ेंगे और सेल के फोटोकॉपी वाले बिल रखने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मेरी टर्नओवर कम है इस 1.5 लाख की लिमिट से तो फिर ऐसा नहीं कि मैं बुक्स नहीं बनानी पड़ेंगी, बुक्स तो बनानी ही पड़ेंगी। देखो क्या लिख रखा है, अगर जिसकी हुज रिसीट लेस देन द स्पेसिफाइड लिमिट उनको मेंटेन करनी पड़ेगी सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच इनेबल एओ टू कंप्यूट इनकम, ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी जिससे क्या कहते हैं एओ क्या कर पाए, इनकम कंप्यूट कर पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो इनकम कंप्यूट कर पाए ऐसा जो है आपको बुक्स बनानी पड़ेगी। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को बुक्स तो बनानी ही पड़ेगी, बस बात आती है कि स्पेसिफाइड बुक्स बनानी पड़ेगी या जनरल बुक्स बनानी पड़ेगी। तो वो अगर लिमिट से ऊपर है तो स्पेसिफाइड बनानी पड़ेगी, अगर लिमिट से नीचे है तो जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करनी पड़ेगी, मेंटेन करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटे ये राइट वाली चीज के अंदर। राइट वाली चीज क्या कहती है, राइट वाली चीज ये कहती है कि अदर प्रोफेशनल्स की बात करते हैं। तो अदर प्रोफेशनल्स यानी कि अदर प्रोफेशनल यानी कि प्लम्बर हो गया, कोई और हो गया जो स्पेसिफाइड में नहीं आते, नाई हो गया, टीचर हो गया, अदर प्रोफेशनल या बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन या अदर प्रोफेशनल को जो है क्या कहते हैं, बुक्स बनानी है नहीं बनानी, तो यहां पढ़ते हैं। तो बोलता है कि भाई लिमिट से नीचे है तो बुक्स नहीं बनानी और लिमिट से ऊपर है तो बुक्स बनानी है, ठीक है। तो अब देखो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के ऊपर सख्त प्रोविजन है, उनमें तो क्या है बुक्स बनानी ही है, बट स्पेशल बनानी है जनरल बनानी है ये देखा जाएगा। लेकिन इन लोगों के लिए प्रोविजन लीनियंट है, इनको स्पेशल बुक्स तो बनानी नहीं, इनको बनानी तो जनरल बुक्स ही है। जनरल बुक्स मतलब ये वाली बुक्स जिससे एओ इनेबल हो जाए ऑडिट करने के लिए, जनरल बुक्स बनानी है। तो बुक्स तो जनरल बनानी है, लेकिन वो जनरल बुक्स बनानी पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी
कोई भी बुक्स बनानी ना पड़े, कि आपका ऐसा हो जाए कि कोई बुक्स ना बनानी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो नो बुक्स भी हो सकता है या जनरल बुक्स हो सकता है, इनके पास दो ही ऑप्शन है। प्रोफेशनल के पास कौन सा ऑप्शन है, या तो स्पेसिफिक बुक्स या फिर जनरल बुक्स। तो यहां पर यह चीज है। अब अगर ये लिमिट सेटिस्फाई करते हैं तो फिर इनको जनरल बुक्स बनानी पड़ेंगी। लिमिट कौन सी है, एनी ऑफ द थ्री प्रीसीडिंग ईयर्स। उसमें तो क्या था, ऑल ऑफ द थ्री प्रीसीडिंग ईयर्स, यहां पर है एनी ऑफ द थ्री प्रीसीडिंग ईयर्स, यानी कि 22-23 को छोड़कर पिछले तीन साल में अगर किसी भी साल के अंदर जो है, किसी भी साल के अंदर अगर ये वाला लिमिट सेटिस्फाई होती है तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, आपको जो है क्या कहते हैं, जनरल बुक्स बनानी पड़ेगी। ये वाली लिमिट क्या है, पीजीबीपी। पीजीबीपी है 1,20,000 से ज्यादा या 2.5 लाख से ज्यादा, यानी कि आपकी बिजनेस इनकम या तो 1,20,000 से ज्यादा है या 2.5 से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है, 25 लाख से ज्यादा है। अब ये क्या बातें हैं, मैं समझाता हूं। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लगेगा ये वाली लिमिट, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लगेगा ये वाली लिमिट और ये 25 लाख वाली लिमिट, और बाकियों के लिए लगेगी 1,20,000 की लिमिट और 10 लाख की लिमिट। तो कहने का मतलब, इंडिविजुअल एचयूएफ को तब बनानी पड़ेगी बुक्स, इंडिविजुअल एचयूएफ को तब बनानी पड़ेगी जनरल बुक्स, जब या तो उसका इनकम 2.5 लाख से ऊपर हो या फिर उसकी सेल 25 लाख से ऊपर हो इन एनी ऑफ द थ्री प्रीसीडिंग ईयर्स। और बाकी लोगों को तब बनानी पड़ेगी बुक्स जब उनकी से इनकम 1,20,000 से ज्यादा हो इन एनी ऑफ द थ्री प्रीसीडिंग ईयर, या फिर उनकी सेल 10 लाख से ज्यादा हो इन एनी ऑफ द थ्री प्रीसीडिंग ईयर्स, तो उनको बुक बनानी पड़ेगी टू इनेबल द एओ टू डू द ऑडिट या टू चेक द इनकम। और लिमिट से नीचे हो, मतलब पिछले तीनों सालों में कभी भी आप 1,20,000 पे नहीं पहुंचे, ना ही 10 लाख पे पहुंचे, तो आपको कोई बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नया बिजनेस है तो फिर जो है क्या कहते हैं, आपको पिछले तीन साल नहीं देखने, फिर यही साल देखना है, इसी साल, फिर इसी साल देखना है, चाहे इसमें भी, इसमें चाहे, चाहे आप इसमें हो चाहे आप इसमें हो, फिर आपको नया बिजनेस है तो करंट ईयर देखना है कि करंट ईयर में इधर तो देखना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए, और यहां देखना पड़ेगा आपको जो है 1,20,000 रुपए, 10 लाख या 2.5 लाख या 25 लाख, यानी कि इंडिविजुअल एचयूएफ को देखना पड़ेगा इनकम 2.5 लाख और टर्नओवर 25 लाख, और दूसरों को देखना पड़ेगा इनकम 1,20,000 और टर्नओवर 10 लाख। यानी कि यहां लिखा हुआ है लाइकली, अगर आपकी इनकम आपको लगता है कि एक्सीड हो जाएगी 1.2 से, तो आज ही बुक्स बनाना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि आपके टर्नओवर एक्सीड हो जाएगी 10 लाख से, तो आज ही बुक्स बनाना शुरू कर दो। तो यहां पर लाइकली वर्ड यूज किया हुआ है, इसके लिए जो है मैंने यहां पर लिखा भी होगा। तो इन केस ऑफ न्यू प्रोफेशन, इफ ग्रोस रिसीट likely to be more than 1.5 lakh rupees, तो आपको बुक्स बनानी पड़ेगी। हाँ, एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है तो पिछले तीन साल देखने पड़ेंगे 1.5 लाख रुपए, और अगर आपका करंट अभी नया शुरू किया है तो आप जो है क्या कहते हैं लाइकली देखोगे इस साल के अंदर। अब ये क्वेश्चन है, देखो इसमें गौरव सर की बात कर रखी है, प्रोफेशनल है, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, तो और तीनों साल में जो है 1.5 लाख से ऊपर इनकी नहीं है, तो उनको जनरल बुक्स बनानी पड़ेंगी, स्पेशल बुक्स नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि तीनों साल में जो है 1.5 लाख से ऊपर नहीं है। आगे चलते हैं। जी जी, चेक करना पड़ेगा स्पेसिफाइड है या नहीं, बंदों के नाम गिवन होंगे, मेडिकल है, लीगल है, अकाउंटेंट्स है, तो आपको चेक करना पड़ेगा स्पेसिफाइड है या नहीं, तो इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद मेडिकल डॉक्टर है तो उनको ये दो रजिस्टर और बनाने पड़ते हैं, कोई खास पॉइंट नहीं है ये भी। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल टू में क्वेश्चन बना रखा है, जहां पर कोई बिजनेस है और इसकी जो है क्या कहते हैं कंपनी है, कंपनी है तो इंडिविजुअल एचयूएफ वाली लिमिट नहीं लगेगी, तो लगेगी 1.2 लाख और 10 लाख रुपए, ठीक है। तो टर्नओवर एक साइड में, एक साल जो ऐसा था जिसमें 10 लाख से एक्सीड कर गई, तो इसका मतलब इसको जनरल बुक्स बनानी पड़ेगी, तो इसको बुक्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक साल उसके टर्नओवर जो है 10 लाख से क्या हो गई, एक्सीड हो गई। अगर किसी भी साल एक्सीड ना करती तो कोई बुक्स बनाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इंडिविजुअल एचयूएफ में लिमिट अलग हो जाएगी, मैंने लिखी दिया, और बुक्स आपको रखनी पड़ती है 6 साल तक, आपको संभाल के रखनी पड़ती है, ठीक है। कहां रखनी पड़ती है, जो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां रखनी पड़ती है। अब बचे खुचे कुछ जो है क्या कहते हैं, 3-4 सेक्शन आते हैं वो मैं कराता हूं। एक सेक्शन है आपका ऑडिट का, 44AB। अब जो है क्या कहते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट है बेटे 44AB, टैक्स ऑडिट। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अपना जो इनकम टैक्स है, जो इनकम टैक्स है उसमें ऑडिट कराने जो है क्या कहते हैं कंपलसरी होती है। तो कंपलसरी कब होती है,
तो बिजनेस की लिमिट अलग है और प्रोफेशन की लिमिट अलग है। बिजनेस के केस में लिमिट है 1 करोड़ रुपए की। अगर 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको जो है क्या कहते हैं, अपना ऑडिट करानी कंपलसरी है, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल पार्टनरशिप कंपनी सबके ऊपर ये लगता है, नॉट फॉर सैलरी। सैलरी वगैरह हेड के लिए तो ऑडिट होती नहीं है, कैपिटल गेन के लिए होती नहीं है, हाउसपेटी के लिए होती नहीं है, ठीक है। और जो 44AD ऑप्ट करेंगे उनको तो ऑडिट नहीं करवानी होती, उनका तो अलग सेक्शन हो गया, ठीक है। बाकी सबको जो नॉर्मल सेक्शन में आएंगे, अगर उनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो उनको जो है ऑडिट करवानी कंपलसरी है। अब एक अमेंडमेंट आई जिसमें बोला कि ये 1 करोड़ की लिमिट 10 करोड़ की हो जाएगी अगर जो है क्या कहते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये कंडीशन क्या है, ये गवर्नमेंट बोलती है कि अगर आप अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान का मतलब क्या कि आप सारा काम जो है कैसे करते हो, वाइट में करते हो, यानी कि कैश में नहीं करते। तो गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया, बोलती है कि अगर कैश रिसीट डिवाइड बाय टोटल रिसीट, एक्चुअली गवर्नमेंट ने तो ये लिखा कि इफ योर कैश रिसीट्स आर अप टू 5% तो फिर जो है, और दूसरा एंड योर कैश पेमेंट्स इज अप टू 5%। तो मैंने इसका फॉर्मूला बनाकर आपको पेश कर दिया। फॉर्मूला क्या बना, कैश रिसीट डिवाइड बाय टोटल रिसीट अगर 5% तक है तो आपको जो है क्या कहते हैं 10 करोड़ हो जाएगी आपकी लिमिट, और साथ में कैश पेमेंट भी जो है ऐसे ही होनी चाहिए। तो देखो यहां पर एक क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ है, देखो एग्जांपल नंबर 1, किसी बंदे की टर्नओवर 4 करोड़ है तो देखना है इसको ऑडिट अप्लाई होती है नहीं होती। तो अब देखना पड़ेगा उसकी कैश रिसीट है 10 लाख रुपए, अदर है अपना जो है 4.9 लाख रुपीज। अब आप बोलोगे सर टर्नओवर 4 करोड़ है और कैश मिल रहा है 490 ये 25 ये, टोटल 5 करोड़ से भी ऊपर हो सकता है बेटे, वो तो कैश रिसीट है। कोई तो एसेट बेचने से भी रिसीट हो सकती है, कोई भी रिसीट हो सकती है, पिछले सालों की भी रिसीट हो सकती है। तो हमें रिसीट देखनी है, टर्नओवर का कोई लेना देना नहीं है। तो 25 लाख डिवाइड बाय 490 प्लस 25 कितना आ गया, कराया था क्या मैंने क्वेश्चन, 515 हो गया। 25 डिवाइड बाय 515 करना कितने परसेंट है, 4 point something है, तो 5% से कम है। और पेमेंट भी चेक करते हैं, 15 लाख की कैश में और 450 की है, 465 हो गया, 15 डिवाइड बाय 465 पेमेंट कितना है, 3.2। तो दोनों ही 5% से कम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी लिमिट हो जाएगी 10 करोड़। और लिमिट अगर 10 करोड़ हो जाती है तो फिर इसकी टर्नओवर थी अभी 4 करोड़, तो इसको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिजनेस के केस में तो यही है मैंने आपको बताया, 10 करोड़ है या 1 करोड़ है, और प्रोफेशन के केस में लिमिट 50 लाख वाली लगती है। यही 50 वाली लिमिट जो है 44ADA में लगती है, वही लिमिट यहां लगती है, कोई अलग लिमिट नहीं है। वेयर ऑडिट इज अंडरटेकन अंडर एनी अदर लॉ, हाँ अगर किसी और लॉ के अंदर आप ऑडिट कराते हो तो आप टैक्स में ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, आप वही ऑडिट रिपोर्ट जो है दे सकते हो और फिर जो है आपको क्या कहते हैं टैक्स में ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद ऑडिट जो है कौन करता है, सीए ही करता है जी, बोलिए। एक्सपेंस कौन सा, हाँ टैक्स ऑडिट का खर्चा अलाउ होता है जी। इसके बाद ऑडिट कैन बी डन बाय सीए ओनली, हम सीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो सिर्फ उनको ही प्रिविलेज है कि वो ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट रिटर्न कब फाइल करनी पड़ती है, ऑडिट की जो ड्यू डेट है वो होती है 30 नो ऑफ द एवरी ईयर, क्योंकि उसमें एक्ट में लिखा रखा है कि आपको आईटीआर की ड्यू डेट से पहले 1 महीना पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट की रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। तो 30 नो जो है इसकी ड्यू डेट होती है। नेक्स्ट बेटे आता है स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन क्या होती है। वैसे मैंने आपको पीजीपी में नहीं कराया था बट अब मैं रिविजन कर रहा हूं तो करा ही देते हैं। तो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन क्या होती है, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि जो इंट्राडे होती है, मैंने इसका ना एक चार्ट बनवाया था, मैंने कहा था शेयर मार्केट में काम करने के कई तरीके हैं, शेयर मार्केट में काम करने का एक तरीका तो है कि भाई आप सुबह शेयर खरीदो शाम को बेचो, इसको इंट्राडे बोलते हैं। या फिर क्या कर सकते हो आप, सुबह शेयर खरीदो कई दिन बाद बेचो, वो नॉर्मल उसमें आता है, उसको हम स्पेकुलेटिव नहीं बोलते। इसके बाद दूसरा होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करो, वो भी नॉर्मल बिजनेस में आता है, उसको भी स्पेकुलेटिव नहीं बोलते। तो देखो अगर आप, हाँ बोलो क्या, हाँ फ्यूचर में भी ये बोलते थे कि भाई एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज होता है एक अनरिकॉग्नाइज्ड, अगर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे करते हो तो आपको जो है स्पेकुलेटिव नहीं बोलते, अनरिकॉग्नाइज्ड पे करोगे तब स्पेकुलेटिव बोलेंगे। तो आप वो चार्ट कर सकते हो, चाहो तो इस चीज को जो है इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, तो वैसे इधर भी बना रखा है, देखो शेयर मार्केट में काम कर रहे हो तो अगर आप, देखो लिख रखा है वैसे अदरवाइज देन बाय वे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी जहां पर होती है उसको हम जो है क्या कहते हैं उसको हम नॉन स्पेकुलेटिव बोलते हैं, जहां एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती उसको स्पेकुलेटिव बोलते हैं।
इंट्रा डे में भी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती और फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, तो इन दोनों को ही हम स्पेकुलेटिव बोलते हैं। बट जो अपना ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है वो स्पेकुलेटिव डेफिनेशन से बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने लिख रखा है कि अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से करोगे फ्यूचर एंड ऑप्शन तो आप नॉन स्पेकुलेटिव में हो जाओगे। तो जो इन्वेस्टर है जो सुबह खरीदता है कई दिनों बाद बेचता है वो जो है कैपिटल गेन में आएगा, वो स्पेकुलेटिव में नहीं आएगा। जिसकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है वो बिजनेस में आएगा, बट नॉर्मल बिजनेस में आएगा। लेकिन जो इंट्राडे करता है वो आएंगे किसके अंदर? स्पेकुलेटिव के अंदर आएंगे। स्पेकुलेटिव का लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस। ये मैंने आपको कहां कराया था? ये मैंने आपको कौन से हेड में कराया था? सेट ऑफ चैप्टर में कराया था। एक्सेप्शंस, स्पेकुलेटिव में कौन कौन नहीं आएगा? हेजिंग वाले नहीं आएंगे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएंगे, और जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करते हैं वो भी नहीं आएंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। इसके बाद बेटे आखिरी प्रोविजन आता है जो अगले दो मिनट में मैगी की तरह खत्म कराने का मैं प्रयास करूंगा। तो बेटे ये प्रोविजन ये है, ये प्रोविजन ठीक वही प्रोविजन है जो कैपिटल गेन में लगता था 50C सेक्शन। ये क्या बोलता था कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हो, और अगर आप बेचते हो, मान लो इसका केस मेरे पास कल परसों आया था, एक बंदे ने जो है क्या कहते हैं एक अपना फ्लैट बेचा था, एक फ्लैट बेचा था गाजियाबाद के किसी एरिया में फ्लैट है, और उस फ्लैट की एसडीवी है भाई 53 लाख रुपीस, और वो बेचा था उसने क्या कहते हैं 39 लाख रुपीस का एक्चुअल कंसिडरेशन। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर एसडीवी तो पहले ही बहुत थोड़ी होती है, क्या एक्चुअल कंसिडरेशन उससे कम हो सकता है? देखो मैंने आपको लाइव एग्जांपल ला दिया। जो क्लाइंट आया मैंने भी उसे यही क्वेश्चन पूछा कि यार एसडीवी तो पहले ही बहुत कम होती है, एक्चुअल कंसिडरेशन इससे कम कैसे हो सकता है? कहता है आप इंदिरापुरम में जाके देखो, वो इंदिरापुरी नाम से ऐसा कुछ बता रहा था जगह गाजियाबाद के अंदर, वहां पर सर ऐसा ही है, बिकते ही नहीं है फ्लैट, तो एसडीवी ज्यादा है, एक्चुअल कंसिडरेशन कम है। अब उसको कैपिटल गेन मैंने निकालना था, तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? तो हमें जो है फुल वैल्यू कंसिडरेशन में कितना लेना पड़ेगा? हमें 53 लाख लिखना पड़ेगा। बताओ क्यों? बिकॉज एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। तो उसके पास अब रास्ता क्या है? उसके पास ये रास्ता है कि वो क्या कर सकता है, एओ को केस कैसे क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको वहां कराया था। ये सेम रूल पीजीबी में भी लगता है। तो ये तो मैंने उस बंदे का बात बंदे की बात बताई जिसका फ्लैट बेचना बिजनेस नहीं है, तो वो हम कैपिटल गेन हेड में जाएंगे। लेकिन जिसका फ्लैट बेचना बिजनेस है तो वो जो है क्या कहते हैं इसी हेड में आएगा और सेम प्रोविजन बाकी लग जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है कि 16 लाख का कंसिडरेशन है, 120 लाख की एसडीवी है, और आपका शॉप जो है स्टॉक इन ट्रेड है, यानी कि आपका बिजनेस है बेचना, तो पीजीपी में आएगा। बट कंसिडरेशन कितना लेंगे? कंसिडरेशन जो है 120 लाख लिखा जाएगा, बिकॉज एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। और आईएफओएस में भी कुछ टैक्सेबल होगा बायर को, क्योंकि वो सस्ता खरीद रहा है, तो आईएफओएस में भी टैक्सेबल होगा। वो आईएफओएस में तो मैंने आपको आईएफओएस में मैं आपको जो रिकॉर्डिंग दूंगा उसमें मैं बता दूंगा कि एसडीवी माइनस कंसिडरेशन वहां पर भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि वहां दो कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब आगे लिख रखा है कि अगर शॉप जो है टोकन ट्रेड होगा एससी और तो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के अंदर और 120 लाख आएगा, बिल्कुल ठीक लिख रखा है। और इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन है कि भाई इफ एसडीवी 10% हो, ये एक्सेप्शन नहीं है भाई, यही है कि एसडीवी 10% से ज्यादा कम है। हाँ, अगर एसडीवी 110% से कम है तो फिर एक्चुअल कंसिडरेशन ही लेंगे, और एसडीवी 110% से ज्यादा है तो फिर एसडीवी लेंगे, यही जो है बात है। और आप केस जो है रेफर भी कर सकते हो। हाँ, अब एसडीवी कौन सी डेट के लेंगे? एसडीवी एग्रीमेंट की डेट के लेंगे या एसडीवी रजिस्ट्री की डेट के लेंगे? तो वैसे एसडीवी लेते हैं ट्रांसफर की डेट की, लेकिन अगर एग्रीमेंट से पहले थोड़ा बहुत पैसा आपको व्हाइट में मिल गया होगा बाय अकाउंट पे ही चेक, तो फिर हम एसडीवी कौन सी डेट के लेंगे? एग्रीमेंट की डेट की ले सकते हैं। एसडीवी मे बी का मतलब है अगर एसएससी का फायदा होगा तभी हम लेंगे। एसएससी में भी टेक एसडीवी में भी टेकन एज ऑन डेट ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की डेट की हम एसडीवी ले सकते हैं। इफ द पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द प्रेस्क्राइब्ड मोड बिफोर और ऑन द डेट ऑफ द एग्रीमेंट, अगर थोड़ा सा कंसिडरेशन भी अगर प्रेस्क्राइब्ड मोड मतलब आरटीजीएस एनईएफटी वगैरह से रिसीव हो गया होगा एग्रीमेंट की डेट से जस्ट पहले, तो आप जो है ले सकते हो। इसका क्वेश्चन बना रखा है, मान लो 1/9 को ट्रांसफर हुआ है, 1/7 को एग्रीमेंट हुआ है, 16 लाख रुपए का कंसिडरेशन है, 10 लाख रुपए कैश से रिसीव हुआ है, तो इसका मतलब कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ एग्रीमेंट से पहले, तो हमें ट्रांसफर की डेट की एसडीवी लेनी पड़ेगी। ट्रांसफर की डेट की एसडीवी कौन सी है? 130 लाख, तो हम 130 लाख को कंपेयर करेंगे किससे? 100 लाख से, तो एफवीओसी में अब क्या आ जाएगा? 130 लाख आ जाएगा। बताइए कि आपको समझ आता है? ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके बाद लिख रखा है कि जो है यहां पर भी करते हैं क्वेश्चन, ट्रांसफर हुआ ये इस दिन को और अपना कंसिडरेशन जो है कैश में रिसीव हुआ था यहां पर भी और ट्रांसफर की डेट पे रिसीव हुआ है सारा का सारा कंसिडरेशन। एसडीवी 120 लाख की है, एसडीवी 130, एक रुपया भी रिसीव नहीं हुआ एग्रीमेंट की डेट पे, तो फिर तो क्या कहते हैं हमें कौन सी एसडीवी लेनी पड़ेगी, ट्रांसफर की डेट की। और ट्रांसफर की डेट की एसडीवी तो हमेशा जो है क्या कहते हैं अपना आप 130 लाख ही फिर ली जाएगी क्योंकि इट इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। इसके बाद चलते हैं आगे, एक पांच को ट्रांसफर हुआ, ये क्वेश्चन ये सिलेबस सबसे हट गया है अपना रेजिडेंशियल अलॉटमेंट फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट वाला प्रोविजन, तो प्रोविजन से हट गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब भी आपको 110% वाला रूल ही लगेगा, तो 110% के हिसाब से ही चेक करना है, ठीक है। तो पहले होता था कि फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट है तो 120% चेक करोगे, अब ऐसा नहीं है, 110% ही चेक करना है आपको। तो इसी के साथ मेरा पीजीपी चैप्टर खत्म होता है जो कि आपको 10 से लेकर 14-15 नंबर देने की गारंटी देता है। तो आपको हमने जो है साढ़े चार घंटे के आसपास ये कवर कराया, इसको करो। इसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना एक बार देखो बार बार देखो, देखने की चीज़ है। तो इसके बाद जो है क्या कहते हैं आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। आपको जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है, मैंने पिछले अटेम्प्ट में एक बच्चे को गारंटी दी थी, एक बच्चा जो है क्या कहते हैं मेरे पास आया था, कहता कि मैं सर फेल हो गया टैक्स के अंदर, तो मैंने उसको गारंटी दी थी कि अगर तू बेटे मेरा क्वेश्चन बैंक जो मैंने तेरे को दिया है इसके क्वेश्चन दो बार अपने हाथों से सोल्व कर लेगा तो क्या कहते हैं तो कोई तेरे को फेल कर नहीं सकता। क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस मेरे को इसलिए है क्योंकि एसएम के क्वेश्चन भी कवर्ड है, एमसीक्यू भी कवर्ड है, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, पास्ट अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, 10 अटेम्प्ट के क्वेश्चन कवर्ड हैं, तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं तो मानता हूं कि भाई फिर फेल नहीं हो सकते, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जब हम कोई कंसेप्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है, बाय बाय।